अरे हीरो, पिछले दरवाजे से चढ़ता तो इज्जत कम हो जाती तेरी। कंडक्टर, लाइफ में थोड़ा रिस्क भी लेना चाहिए। है? रिस्क लेने के लिए तुझे मेरी बस मिली? कंडक्टर, भड़कता काई गोया, आज मेरा बर्थडे है यार। तो क्या बर्थडे के दिन ही ऊपर जाने का सोचा था? अरे भाई टिकट दो ना। टिकट? हेलो भाई जान, टिकट मत लो आप। क्यों क्यों, इसका भी बर्थडे है क्या? वो क्या है ना कि आज अपुन का बर्थडे है ना, तो सोच रहे कि सबकी जर्नी झकास बनाने का। ऐसा कौन करता है? आज सबका टिकट अपुन खरीदेगा। लेकिन हमने तो हमारा टिकट ले लिया। इट्स ओके, एक काम करते हैं, हमारे टिकट के बदले तुम हमें पैसे दे दो। ये हुई ना बात। थैंक यू। ओके थैंक यू। क्या दिलदार आदमी रे। चलो इस टिकट के साथ बाकी सब टिकट मेरे को दे दो। अरे वाह, तू तो नाम का नहीं काम का भी हीरो लगता है। अरे दोस्तों, इसने तुम सबका टिकट निकाला, कम से कम मिलके तुम सब लोग हैप्पी बर्थडे तो गाओ। लेकिन ये भुक्कड़ घुस गया। हम लोगों को भुक्कड़ बोलता है? देखो सर, टिकट वाला खड़े खड़े ट्रैवल करा है और ये फोकटचंद बैठे बैठे ट्रैवल कर रहे हैं। फोकटचंद बोलता अपने को? तो इन सबका टिकट कहाँ है? अपन को क्या पूछ रहे हो? वैसे इन बिना टिकट वालों का क्या होगा? 500 रुपए फाइन होगा बेटा। ओके, अगर फाइन नहीं दिया तो 5 साल की जेल होगी। टिकट दिखाओ या फाइन करो। टिकट दिखाओ। ए सब लोग टिकट दिखाओ। ए टिकट देना। वेट, अरे मेरे बाप टिकट देना। 10 की टिकट का 100 रुपया, 20 की टिकट का 200 रुपया, 10 का 100, 20 का 200, 10 का 100, 20 का 200, ले लो ले लो भाई, टिकट ले लो जल्दी ले लो, नहीं तो 500 रुपया फाइन, ऊपर से 6 महीने की जेल भी है। अबे साले, एक नंबर का फ्रॉड आदमी है तू। फ्रॉड नहीं, बिजनेसमैन हूँ। अपुन ने खुद के पैसे से टिकट खरीदा है, अभी बेच रहा है। लेकिन साला तेरे को बहुत चर्बी चढ़ी है, बहुत उचक रहा है तू। चल बच्चू, तेरे लिए डिस्काउंट, तेरे लिए तेरी 20 रुपए की टिकट 400 रुपए में देता हूँ। 10 का 100, 20 का 200, 10 का 100, 20 का 200, 10 का 100, 20 का 200, आइटम तेरे लिए फ्री है। 10 का 100, 20 का 200, 10 का 100, 20 का 200, 10 का 100, 20 का 200। मैं तो कंडक्टर हूँ। अरे तू तो स्टाफ है, चल दे। अरे भाई लोग, कोई रह तो नहीं गया ना, रेट डबल हो जाए उसे पहले ले लो, अपन को जाने का टाइम खोटी मत करो। मालूम है ना, 500 रुपए फाइन है और 6 महीने का जेल भी है। ये सब ड्रामा क्यों किया? वो क्या है कि आप उनके एरिया में फंक्शन है ना, तो उसके लिए अपन चंदा जमा कर लेला है। पूरा पागल है ये तो। चलो दूसरी बस पकड़ते हैं। मैंने अपनी जिंदगी में ये पहला इंसान देखा है जो चलती बस में बस की टिकट ब्लैक कर रहा हो। अरे धीरू, ऐसे क्या देख रहा है, एकदम सही टाइम पे एंट्री मारी है, पोस्टर रेडी है। अच्छा एक बात बता, सारा काम सल्टा दिया ना? जैसा तूने बोला था वैसी हुआ। अरे तुषार कपूर क्या बोल रहे हैं बता जरा। भाई इस गोलमाल को लड़की का पोस्टर अपने हाथों से लगवाना, इसलिए छटपटा रहा है। लगा लगा भर भर के गम लगा, चमिया चिपकने के बाद उखड़नी नहीं चाहिए। बहुत मान काम किया उसने। धीरू देखना, मैट्रिक फेल होने के बाद एकदम छप्पन छुरी लग रही है। फेल होके गली फूल बन गई रे।
माल लग रही है ना। ए, अब चलो और भी पोस्टर लगाने। बाजू के मोहल्ले की गुलाबों ने मैट्रिक में फेल होके बाप का नाम रोशन किया। स्पॉन्सर्ड बाय फाइव स्टार ग्रुप। मेरे प्यारे मोहल्ले वालों सुनो सुनो, हमारे पास के मोहल्ले की छोरी ने मैट्रिक में फेल होकर अपने बाप का नाम रोशन किया है और इसी खुशी में फाइव स्टार ग्रुप गर्मा गर्म बिरयानी बांट रही है। गर्म बिरयानी खाने का अपना दिमाग गर्म नहीं करने का, ये सब मेरे खर्चे पे लाया है, समझा ना? दिमाग नहीं खराब करेगा ना? धीरू भाई बांटेंगे गर्मा गर्म बिरयानी। तालियां। सबको खाना देकर तुम बहुत ही अच्छा काम कर रहे हो, भले ही लड़की पास हो या फेल, लेकिन तुम तो सबका पेट भर रहे हो बेटा, बहुत अच्छे। ये देखकर मेरा दिल बहुत खुश हुआ, जीते रहो बेटा। धीरू भाई के लिए एक बार और तालियां हो जाए। क्या छोटे, बिरयानी का बंदोबस्त किया लेकिन गला सूख रहा, उसका क्या? अरे चाचा, अपन चाहता तो था लेकिन ठन ठन गोपाल है ना, अगले हफ्ते बाजू वाले मोहल्ले की मुन्नी बदनाम हो जाएगी ना, तभी मिलेगा ना। ठीक है ठीक है, जीते रहो बेटा। अरे बाजू के मोहल्ले के गुंडे लोग आ गए। ये सीन देखकर आपको लगेगा कि स्टोरी में कोई ट्विस्ट है, पर ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि इनके बीच की ये जंग पिछले 20 सालों से चलती आ रही है और इनके जंग की कोई एंडिंग नहीं है। क्या बे साले थिरु, हमारे मोहल्ले की लड़की का पोस्टर लगाने की हिम्मत कैसे की तूने? ए, तूने भी तो अपन के मोहल्ले की लड़की की बदनामी की थी, भूल गया क्या? उसी का बदला लेने के लिए धीरू भाई ने प्लान बनाया, बस की टिकट ब्लैक पे बेच के। पछताओगे तुम लोग। तुम लोग अपन के मोहल्ले की लड़कियों को घूरते हो, लाइन मारो तो चलता है। अपन ने तेरे मोहल्ले की लड़की की तारीफ में पोस्टर ही तो लगाया है। दोबारा ऐसी गलती करना मत। चल लगा दिया, जो उखाड़ना है उखाड़ ले। सुखी बम्बी साला बहुत बोलता है, लगा के तो दिखा दो। झुका तो सामान गायब। अरे देवा, हेलो हेलो, यस कम इन। अब चलना। सब किया देख ले। क्या मोहल्ले में मेरी बहुत इज्जत है, यहाँ का शाहरुख हूँ मैं, लड़कियाँ मुझे देख के गिर जाती हैं, पर तुम्हारे लिए मैं करण जौहर भी बन सकता हूँ, तुम्हारा चहिता टाइगर कुमार। बहुत भगाया, एनर्जी ड्रिंक दे यार। हाँ ये ले, वाटर मार, ये पानी लेना। अबे ये क्या कर रहा है? मिक्सिंग बजा रहे। Hey!
क्या चल रहे थे? हमको क्या पता? हमने कुछ नहीं देखा सर। नहीं पता कौन लफड़ा कर रहा था? नहीं पता सर। अबे भूल गए? किसने पत्थर मारा? पुलिस के सामने पत्थर मारता है? कौन मार रहा है? अरे हटो यार, तुमने मारा पत्थर? नहीं भाई, मैंने नहीं मारा, मगर मैं जानता हूँ कि ये हरकत किस बदमाश की है। यकीनन। वो कैसे? कसम से कह रहा हूँ, मेरे पास तो उस बदमाश का एड्रेस भी है। तो लिखवाओ ना। लगता है तू गलत एड्रेस पे लेके आया। एड्रेस बिल्कुल सही है। राय साहब, खुद का एड्रेस देके क्यों पुलिस का मजाक उड़ा रहे हो? क्योंकि वो मेरा बेटा है। क्या कहा? कसम से वो मेरा बेटा है। बिना शोर शराबे के अंदर जाएंगे तो उसे पकड़ भी लेंगे, वरना वो भाग जाएगा। ए, चल रे। चिल्लाओ मत, वो भाग जाएगा। अबे छोटे दरवाजा खोल। चल हट। वो देखो छुपने की कोशिश कर रहा है। कहाँ है तू मेरी माँ? माँ यहाँ है रे। मामा आ गए। माँ मुझे पकड़ लेंगे, मुझे बचाओ माँ। अच्छा, प्लीज मुझे बचाओ माँ, मैं जेल नहीं जाना चाहता। प्लीज मुझे बचाओ माँ। ले जाइए इसे, मर गई तेरी माँ, ले जाइए इसे। चल पुलिस स्टेशन ला। एक मिनट सर, माँ अपने बच्चे लोग की रक्षा करती है, वो ऐसे पुलिस लोग के हाथ में नहीं सौंपती। अंकल इसकी बराबर धुलाई कर रहा। अबे मोटे चुप। बहुत हीरो बनते, इसको छोड़ने मत अंकल। जा जा जेल की हवा खा। अरे मामू छोड़, अपन इसको ठीक करके आता है। अरे क्या कर रहा है, क्यों मार रहा है इसे? तेरा दिमाग खराब हो गया क्या? ले जाइए इसे यहाँ से। साले खा खा के भैंसा हो गया। रुक, तेरी चर्बी उतारता हूँ मैं साले चश्मेश। अबे रुक इधर। आप मुझ पे क्या कुछ चिल्ला रहे? अपन के कान फट जाएंगे ना। ये तो पूरा फटेंगे। आप उनके बाप को जानते नहीं हो आप। तेरे बाप ने ही तुझे पकड़वाया, समझो? क्या बापू, ये सब क्या है बापू? माँ बाप होकर जो संस्कार हम तुम्हें नहीं दे पाए वो पुलिस देगी। चार दिन जेल की हवा खाएगा तो अकेले ठिकाने आ जाएगी। ले जाओ इसे। अगर आपके पिताजी ने आपके साथ ऐसा किया होता ना तो पता चलता। हाँ चल। अरे धक्का गाय को मार ले यार। पता नहीं पिछले जन्म में कौन सा ऐसा पाप किया था कि ऐसा बेटा पैदा हुआ है। साले हीरो बन के घूमता है, मवालीगिरी करता है, हैं? क्या नाम है तुझा? पुलिस तुम्हें क्या अपन? पता लगा के दिखाओ। काय बोलास? हमने पोस्टर छपवाया था, उसमें अपना नाम भी है, पढ़ना था तो पढ़ लो। तेरा नाम क्या है रे? टाइगर कुमार। टाइगर कुमार जंगल का शेर समझता है तो? टाइगर कुमार, टाइगर कुमार काट तो। ये रामलीला में टाइगर बनता था इसलिए इसका नाम टाइगर कुमार रख दिया। सपने में भी इसके टाइगर आता है तो ये सुसु कर देता है, ये कहां से टाइगर बनेगा? साले ने मुझे घोंसले पर मारा था पर अंडे फूटते फूटते बच गए। तेरा नाम क्या है? तुषार सर, गोलमाल वाला। गुड मॉर्निंग सर। बाल की चुका। तेरा नाम क्या है? यामा का शुरू में क्या लड़की फेल हो गई, अब उससे शादी कौन करेगा, इसलिए उसकी पब्लिसिटी बढ़ाने के लिए उसके पोस्टर छपा दिया। और लड़की एकदम आइटम है सर। दोबारा ऐसी गलती मत करना। आइको नहीं, किसी लड़की को ऐसे बदनाम नहीं करते। आइको नहीं करने का। भाई लोग, पोस्टर वाली लड़की मेरी बेटी है। सॉरी सर, मेरी इज्जत का तो कचरा कर दिया तुमने। अबे छोटे तू स्कूल से आ गया? अरे बड़े तू जेल से आ गया? तुम दोनों फिर शुरू हो गए? बड़ों से ऐसी बात करते हैं क्या? अरे बड़े पहले बड़ा तो हो जा। इसको बोल ज्यादा जबान ना लड़ाए। बस कर तू। और डंडे कितने बड़े जेल में आ? अभी तो अपन थक गए ले, पहले आराम कर लेता हूँ फिर तेरे को फटका। चल हट। इसे जेल से किसने छुड़ाया? और कौन? माता श्री। तुम इसे वापस लेकर आई हो? मैं कुछ पूछ रहा हूँ, क्या तुम इसे वापस लाई हो? तो और क्या करती मैं, बेटा है ये हमारा। नाक कटवा दी इसने परिवार की, जानती हो कितने शर्म की बात है ये? आवारा गर्दी करता था, बार में बैठता था और अब हवारा की हवा भी खा ली। इसी वास्ते अपन यहाँ आना नहीं चाहता था। कहीं को छुड़ाया तूने? अच्छा होता अगर तू वही सरता। माँ समझा इनको ढंग से बात करने का, अपन से अपन की भी कोई इज्जत है। कौन सी इज्जत की बात कर रहा है तू? एक नौकरी तक तो ढूंढ नहीं पाया, जुबान लड़ाता है। अपन ये नौकरी वोकरी नहीं, बिजनेस करने के लिए पैदा हो गया। क्यों बहस कर रहा है? धीरू नाम होने से अंबानी नहीं बन जाएगा। बिजनेस करने का है, उसके लिए मैं आपसे कितने दिनों से एक पेटी मांग रहा हूँ। माँ पूछ जरा, दिया क्या इन्होंने? बिजनेस का बी भी मालूम है तुझे? उसके लिए एबीसीडी की जरूरत नहीं है। चुप कर, बोलने दे माँ।
अपन भी रह जाके माफिक रियल एस्टेट बिजनेस करेगा। इनमें सपने देखना बंद कर, मजाक नहीं है। एक आदमी पर भरोसा करके मैंने 25 लाख रुपए एक जमीन में इन्वेस्ट किए थे। 6 महीने से उस जमीन को बेचने की कोशिश कर रहा हूँ लेकिन आज तक बेच नहीं पाया मैं उसे। बिजनेस करना कोई मजाक की बात नहीं है। अपन आपके माफिक धोखा नहीं खाने वाला है। ए माँ, मैं थोड़ी बोल रहा हूँ कि कर्जा लेके मुझे पैसे दो। बैंक में जो सेविंग रखी है उसमें से थोड़े से पैसे निकाल के दे दो। मेहनत की कमाई है तो उससे तो मुझे कोई उम्मीद है नहीं। वो पैसा भी अगर मैं तुझे दे दूंगा तो तेरी माँ के साथ बुढ़ापे में क्या भीख मांगूंगा। देखिए, आपने बाहर वाले पे भरोसा करके इतना पैसा खर्च कर दिया। ये तो अपना बेटा है, थोड़ा पैसा तो दे ही सकते हैं। इसे पाल पोस कर हमने घोड़े जैसा बना दिया है। अब मैं फूटी कौड़ी नहीं दूंगा इसे। अगर आप नहीं दोगे तो अपन घर छोड़ के चला जाएगा, फिर बुलाओगे तो भी नहीं आऊंगा। तू अगर नहीं गया तो मैं तुझे धक्के देकर निकाल दूंगा। चला जाऊंगा। जा, और एक बात सुन ले, बाहर जाकर किसी को बताना मत कि तू मेरा बेटा है। वो तो अभी भी किसी को नहीं बताता। वो सच में जा रहा है, उसने खाना भी नहीं खाया। अरे अंधी हो गई है क्या? वो भूखा दिख रहा है, पेट ठसाठस भरा है उसका, थोबड़ा ही भुक्कड़ जैसा है उसका। हाँ पापा, 7-7 डोसा 2 सौ है। मैथ्स में फेल होता है और मेरा डोसा गिनता है क्या? जाना भुक्कड़। क्या हुआ धीरू, इतने मस्त मौसम में अपना मुंह क्यों लटका रखा है? ये देख, अपना तुषार भी इंग्लिश मांग रहा है। अरे तू कुछ बोल क्यों नहीं रहा? बापू ने बिजनेस के लिए पैसा देने को मना कर दिया। अरे मेरा बाप तो मुझे बस के किराए के लिए भी पैसा नहीं देता, तेरा बाप तो फिर भी अच्छा है। ये बापू लोग अपने बच्चों पर भरोसा क्यों नहीं करते यार? यार ये जो बाप लोग होते हैं ना, अपने आप को गॉड फादर समझते हैं, पर ये होते हैं बैड फादर। एकदम करेक्ट। हाय 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 हाय, आई एम वेणुगोपाल, हाय फ्रॉम टाइटन पार्क। ओह आई सी, नाइस टू मीट यू। सेल्समैन हो क्या? अरे नहीं नहीं, बस तुम सबको देख के मुझे मेरे दोस्तों की याद आ गई। इफ यू डोंट माइंड, मुझे एक सिगरेट मिल सकती है? हां बिल्कुल। अबे एक ही बॉक्स है, कई को दे रहे ला। नहीं है तो इट्स ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अरे कोई सेठ आदमी है, लीजिए सर। सॉरी फॉर डिस्टर्बिंग। ओके सर, प्लीज कैरी ऑन। ओके सॉरी। माँ ने बापू को बहुत समझाया लेकिन बापू मानने को ही तैयार नहीं है। ये बाप लोग ना हमारी माँ को अपने पैर की जूती समझते हैं। करेक्ट बोला। हाय फ्रेंड्स, आई एम वेणुगोपाल फ्रॉम टाइटन पार्क। आपने अभी बताया था ना सर। इफ यू डोंट माइंड, थोड़ी कोल्ड ड्रिंक मिलेगी क्या? चल दे दे। ओ बस बस बस, थैंक यू, कैरी ऑन। क्या हुआ धीरू? लाइफ में कुछ थ्रिल नहीं है, बोर हो रहा हूँ। लाइफ को हमसे बोर होना चाहिए भाई, हमें लाइफ से नहीं। करेक्ट बोला। आई एम वेणुगोपाल फ्रॉम टाइटन पार्क। अबे 3 बार बता चुका है, अब क्या लिख के रखूं? इफ यू डोंट माइंड, एक पैग मिलेगा क्या? थैंक यू। Thank you. Please carry on. कोई साला अपुन की परवाह ही नहीं करता है। बापू पैसा नहीं देता है, बैंक एप्लीकेशन फाड़ के फेंक देती है। सबर कर, ये बैंक वाले तेरा लोन कैसे रिजेक्ट कर सकते हैं? देखना, हम बैंक को लोन देंगे एक दिन। क्या कहता है भाई, हम एक दिन टॉप पे होंगे। जरूर होंगे टॉप पे, मैं भी तो अभी टॉप गियर पे ही हूँ। आई एम वेणुगोपाल। टाइट पार्क। मुझे एक छोटा सा फेवर चाहिए। नहीं नहीं नहीं, मेरा तो हो गया है। देखो मुझे घुमा फिरा के बात करने की आदत नहीं है। आई डोंट लाइक वॉकिंग। तो बोलो, तुम्हारे लिए ऑटो बुला देते हैं। नहीं नहीं, इसकी जरूरत नहीं है, आप बस थोड़े पैसे दे दो, ऑटो तो मैं खुद ही पकड़ के चला जाऊंगा। क्या बोला? मैं तुम लोग को भी लिफ्ट दे सकता हूँ। क्या चाहिए तेरे को? पैसा। हमको क्या उल्लू समझा है तू? उसमें समझने वाली क्या बात है? क्यों बे? कब से कह रहा है आई एम वेणुगोपाल फ्रॉम टाइटन पार्क, टाइटन पार्क। जरा हमको इसका मतलब तो बता। टाइटन पार्क में मैं टनों का सोता हूँ। मतलब ये कोई कंपनी का नाम नहीं है? कौन सी कंपनी? साला हमारी फुकट की दारू पी गया, मार साले को। आ गया बेवड़ा। भूख लगी है, खाना देना माँ। लग गई बेटा, ये पापा को मम्मा बोल रहा है। जानता है टाइम क्या हो रहा है? टाइम क्या, तेल लेने, खाना देना माँ।
आज ही पूरी रात जगाएगा। मैंने तो उससे पूछा कि टाइम क्या हो रहा है। टाइम खराब चल रहा है, खाना देना। मैं क्या बोला? अरे मेरे भोले पापा, ये टल्ली टाइम है। मतलब क्या हो गया? माँ आज बड़ा गले तक फूल होके आया है। मम्मी इसे क्यों मार रहा है? ये तुझसे छोटा है पर ज्यादा समझदार है। ये जब मेरी उम्र का हो जाएगा ना, लोफर ही बनेगा। तू इसकी फिक्र मत कर, तेरी उम्र में तो ये कलेक्टर बन जाएगा। चपरासी बोलो। क्यों इस तरह से अपने पापा के साथ जबान लड़ा के बहस करता है? तुझे जरा भी शर्म नहीं आती क्या? मैं अपने पैरों पे खड़ा होना चाहता हूँ। पहले ढंग से खड़ा होना तो सीख जा। तेरा कुछ नहीं हो सकता धीरू, ये सब तुम्हारे लाड प्यार का नतीजा है। तुमने ही बिगाड़ के रखा इसे, सारी जिंदगी आवारागर्दी करेगा। लेक्चर मत झाड़ो बापू, कभी मेरे बारे में कुछ सोचा है क्या? तूने सोचने के लिए कुछ छोड़ा है? क्यों क्यों इतनी दारू पीता है? बापू ने पैसा नहीं दिया इसलिए टल्ली हुआ, जब टल्ली हुआ तो बाइक चोरी हो गया। क्या कहा? बाइक चोरी हो गई? बाइक चोरी हो गई? शाबाश मेरे ला, बहुत बढ़िया काम किया इसने। अरे बेशरम, पाई पाई जमा करके तेरे लिए बाइक खरीद के दी थी और तूने वो बाइक घुमा दी, इतना लापरवाह कैसे हो गया? बाइक चोरी नहीं हुई होगी, उसी को बेचकर दारू पी है इसने। अपन झूठ नहीं बोलता, बाइक चोरी हो गई है। झूठ पे झूठ बोलते हुए तुझे शर्म नहीं आती? कसम से कह रहा हूँ, जरूर इसने बाइक गिरवी रखी। कभी बोलते हो चोरी हो गई, कभी बोलते हो गिरवी रखी, मेरे को काहे को कंफ्यूज करते हो? अपने बाप से ऊंची आवाज में बात करता है? पूरी जिंदगी किसी ने मुझसे बदतमीजी नहीं की और तुम उससे ऊंची आवाज में बात करता है? निकल यहां से, चुप रहो, निकल यहां से। काहे को जाएगा? क्योंकि ये मेरा घर है, निकल यहां से। वापस लौटा तो टांगे तोड़ दूंगा, याद रखना। मर क्यों नहीं जाता ये? नहीं माँ, मैं घर नहीं आऊंगा। पापा को बोल दो मैं घर नहीं आऊंगा। क्या भाई, तेरे को भी बाप ने घर से निकाल दिया क्या? नहीं, मुझे घर से बाहर नहीं निकाला, मैंने खुद छोड़ दिया। काई को? मेरे पापा चाहते हैं कि मैं किसी ऐसी लड़की से शादी करूं जो पढ़ी लिखी हो, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो। क्या ये सही बात है? मेरी जिंदगी में एक लड़की है जिसे देखते ही मुझे प्यार हो गया था। सच में होता है? बिल्कुल होता है बच्चा, मैं समझाता हूं। बताओ। जब दिल में मोहब्बत जागे तो आग लगनी चाहिए। आग? हाँ। आग लग गई बाबा जी। मुझे भी लग गई। अपुन की बाइक। आई एम वेणुगोपाल फ्रॉम टाइटन पार्क। अपुन धीरू भाई, कर लूं दुनिया मुट्ठी में। नाइस, अच्छा नाम और अच्छे विचार है। एक ही दिन में बाइक ढूंढ ली, आई एम इम्प्रेस्ड। पंडित जी बाइक की पूजा करा दीजिए। वही तो कर रहा था। पंडित जी वो कल वाली हीरो होंडा कहाँ खड़ी है? खड़ी है। ओम भाई का नाम। अच्छे से पूछा करो पंडित जी, खोई हुई बाइक मिल गई है। लगता है जल्द ही तुम्हारी जिंदगी बदलने वाली है। कभी नहीं देखा। दो दिन पहले ही आए हैं। हम पार्क में घूमने जाएंगे। What's your name? उर्मिला। Nice name. Thank you. I am शिव कुमार। What? शिव। शिव बोले। Oh, शिव। उर्मी, तुम्हारे घर में और कौन-कौन है? Listen, somebody is watching. Where? There. यहाँ पे तो कोई नहीं है। और तेरी? कितनी सर्दी हो गई है मुझे, भाप लेना पड़ रहा है। भैया। भैया क्या नाम है उसका? उर्मिला। 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 अबे मेरे शिव भोले, तेरे को तो पढ़ाई करके कलेक्टर बनने का है, बाप का नाम रोशन करने का है। काई को ये उर्मिला के चक्कर में पड़ के बाप का नाम खराब कर रहा है तू। और हट, क्या इसमें? अरे बाप रे, आइटम को पढ़ाने के लिए तो अगरबत्ती का भाप लेने का दिखावा कर रहा है। रुक, माँ को बताता हूँ। माँ अरे रुक, तेरा भांडा फूटो, सबको बताता हूँ। रुक माँ।
अपन हैंडसम दिखता है कि नहीं छोटू बोल। अरे बोलना भाई, मुझे अपनी स्कूल छोड़ो। हाँ ठीक है, वैसे आप मुझे ले कहाँ जा रहे हैं? वो क्या है ना छोटू, कल अपन को मंदिर में ना एक देवी मिल गई, तो उसके साथ अपन जचेगा कि नहीं ये जानने का था। दिखती कैसे है वो? अरे छोटे क्या बताओ, एकदम मिस वर्ल्ड के माफिक दिखती है। अच्छा वो आइटम सॉन्ग वाली राखी सावंत जैसे दिखती है क्या? क्या छोटे तू भी किसके साथ कंपैरिजन कर रहा है? वो व्हाइट साड़ी वाली जैसे दिखती है क्या? अबे वो तो आंटी है यार। तो कैसे दिखती है वो? उसके माफिक तो कोई नहीं हो सकती। वो कूल वाली जैसे दिखती है क्या? अरे बोलना कहाँ खो गया? अबे छोटे वही तो है तेरी भाभी। अबे बड़े मेरे को किधर लेके जा रहे हैं, स्कूल तो उधर है। अबे अपन अखा लाइफ स्कूल नहीं गया, तू एक दिन नहीं जाएगा तो क्या होगा? अरे मुझे स्कूल जाना है। अबे चुप बैठना, मेरा एग्जाम आने वाला है। मारूंगा। क्या कर रहा है यार तू? कितना पकाता है तू? पहले मुझे स्कूल छोड़, बचाओ बचाओ कोई मेरी मदद करो। एक बाइक वाला बच्चे को किडनैप करके सिग्नल तोड़ के भागा है। गिर जाएंगे। उसकी गाड़ी का नंबर है TSB 5969। ए रुक, अपने पीछे पुलिस पड़ी है। अरे मुझे स्कूल जाने दे बाबू, मुझे कलेक्टर बनना चाहता है। तू चपरासी के भी लायक नहीं है, कलेक्टर कहाँ से बनेगा? हाय, लगता है तुमने सिग्नल तोड़ा है, इसलिए पुलिस हमारे पीछे है। तुम लंबा जेल में जाने वाले हो। क्या रे, बच्चे को किडनैप करता है? सर किडनैप और अपन, ये अपन का छोटा भाई है। क्या ये सच है? ये छोटे तेरा और उर्मिला का भांडा फोड़ दूंगा घर पे। हाँ ये उर्मिला कौन है? करा सकता हूं। इसकी आइटम है सर। छोटे बच्चे को बिगाड़ रहा है। अरे अंकल मेरे आइटम को छोड़ो, हम तो इसके आइटम को ढूंढ रहे हैं। तेरा भाई सच बोल रहा है क्या? थोड़ी देर के चक्कर में हम स्कूल छोड़ के उसके पीछे पड़ गए। वो प्यार करती है तुझसे? कंफर्म नहीं हुआ सर। अगर कंफर्म नहीं तो बच्चे की पढ़ाई क्यों बिगाड़ रहा है सर? हाँ क्या है? आपके आइटम का फोन है। आम आदमी हो या पुलिस वाला, सब चलता है। चल 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 जाते। ट्रक जब वो आएगा उसे ले आना। पहले मैं जाऊंगा, मैं पीछे जाऊंगा। तू पहले अंदर जाएगा साले, तू फिल्म देखने के बाद हमें बता पाएगा हमने क्या मिस किया? अबे इमोशनल सीन को तू कॉमेडी करके बताएगा? ए पुलिस, ये टिकट ब्लैक कर रही है। हाय थिरू। सॉरी भाई, सॉरी भाई, पिक्चर चालू हो गया क्या? चल चल शुरू होने वाली है ये, चलो जल्दी चलना। क्या हुआ थिरू? अबे टाइगर, अपुन ने तेरे को जिस लड़की के बारे में बोला था ना, ये वही चे। यारे छमिया, मस्त आइटम लग रहे लिए। ये अपना चिकना है ना, सॉलिड लट्टू है तेरे पे। तो अभी चल आई लव यू बोल, शादी बना, और हनीमून किधर जाने का है फिक्स करना इसके साथ। ये आइटम अगर वो पसंद नहीं तो अपुन है ना दिमाग की बत्ती जला। चल टच करने दे। इडियट, हाउ डेयर यू टच मी। अरे चल ना लेला मजनू का हाथ पकड़ और शादी मना। चलो रे चलो। मेहमान हमारे बारे में सोच ले। पांडे का बेटी। अरे सोच ले सोच ले। कमाल का पकड़, भाभी का हाथ लेके चल इसको। तेरी इतनी हिम्मत कभी ना हुई था ना? आ मैं बताता हूँ तू कहाँ भाग रहा है। मारो छोड़ो नहीं। ये भी था, ये रे, ये रे, याद रखेगा। और कौन था? और कौन था? ये रुक 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 रुक, क्या बोला तू? क्या बोला तू? शादी करेगा मेरी बहन? इतनी हिम्मत कभी ना। गुंडा बदमाश, तेरे से बड़ा गुंडा हूँ मैं, याद रखना तू। छोड़ो मेरे, ये रे। और तू 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 क्या कह रहा था? हाथ मत लगा। क्या बोला? हाथ मत लगा मेरे का। क्या मतलब? एमएलए का बेटा हूँ। अबे एमएलए का बेटा है? ऐसे न जाने कितने एमएलए को मैं अपनी जेब में लेके घूमता। मुझे माफ कर, तुझे पता नहीं मैं कौन हूँ। तेरे जैसे गुंडों से मेरा पाला पड़ता है। छोड़ो। ए गुरु नाम है मेरा और ये मेरी बहन है। किसी ने आंख उठाकर भी देखा तो उसकी आंखें नोच लूंगा, याद रखना। चलो बेटा। हम तेरे दोस्त हैं यार, हम तेरे लिए जान भी दे सकते हैं। एक बात अच्छे से सुन ले, हम जान दे सकते हैं और ले भी सकते हैं। हम सब मिलके उसके भाई का सामना करेंगे। पर भाई हमको थोड़ा प्रैक्टिकल भी होना चाहिए। वो आदमी है आयरन मैन, अकेले ही इतने लोगों को मार दिया, आइटम को भूल नहीं सकता। यार बात तो तू सही बोल रहा है, उसकी बहन को उन गुंडों ने छेड़ा तो उसके भाई ने उनको काला नीला कर दिया। अगर उसको ये पता चल गया कि अपन उसे लव करते तो अपन का तो राम नाम सत्य।
तेरे को पता था ना अपन ऐसा ही बोलेगा, अपन उसे सच में लव करता है। तेरी रेंज देख और उसकी रेंज देख, ए, प्यार में ये सब नहीं होता। अबे जुए, पाँव उल्टा उल्टी चला रही है, जितनी लंबी चादर हुई है। हाँ, समझा क्या बोला? पाँव उतने ही फैलाओ जितनी लंबी चादर हो, वरना सर्दियों में सिकुड़ के जम जाओगे। तुम लोग चाहे जो कुछ भी बोलो, अपन उससे ही लव करेगा। काय को इतना रिस्क ले रहा है? अपन ने फैसला कर लिया। ये हो नहीं सकता रे। ओके रहेगा। अरे मुमकिन ही नहीं है यार। हे हे, मुमकिन अपन बनाएगा। तुम लोग देखना, अपन उस लड़की से आई लव यू बुलवाएगा और तुम सबकी भाभी बना के दिखाएगा। हाय, ये प्रिया, आप उनकी लवर। हाय प्रिया। ये है टाइगर कुमार। हाय कुमार। ये अपना यमा। नमस्ते। ये अपना गोलमाल वाला तुषार। हाय ना इसके लिए। और ये अपना गोलिया। हाय। यार ये धीरू तो बहुत चाणा निकला। उसने ऐसा क्या किया होगा? अरे उसके भाई के पैरों पे गिड़गिड़ाया होगा। आपों ने सुन लिया जो तुम लोग बोल रहे हैं। यार तूने उसे कैसे पटा लिया? मैं तुम लोग को डिटेल में बताता है कि आपों ने उसको कैसे पटाया। ओए ओए ओए, ज्यादा स्मार्ट बनने की जरूरत नहीं, मैं बताती हूँ। इस लुक्के ने इजहार कैसे किया? इसने इजहार कब किया? तो पटाया कैसे? नमस्ते। कौन है तो? गुरु सर से मिलने का है। क्या काम है? उनकी बहन से प्यार करता है अपुन, तो उसी बारे में डिस्कस करने का है। अरे तू क्या बोल रहा है? उनकी बहन से प्यार करता है अपुन, तो उसी बारे में रुक 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 डिस्कस। हेलो, अंदर आने दो उसे। ठीक है जी। पाई लागू सर। बैठो। बाहर तुम क्या बकवास कर रहे थे? बकवास नहीं सर, अपन सच बोल रहे ला है। देखो आज मेरा जन्मदिन है। हैप्पी बर्थडे सर। इसीलिए मुझे गुस्सा मत दिलाओ, मुद्दे की बात करो। अपना नाम थीरू है सर, अपन इसी शहर में रहता है और आपकी सिस्टर से लव करता है। देखो। हेलो, अर्जेंट मीटिंग में बाद में फोन करना। क्या कह रहे थे? सॉरी। अबे यार, अपन एक इम्पोर्टेंट मीटिंग में, बाद में बात करते हैं। सॉरी सर। क्या प्रिया भी तुमसे प्यार करती है? आपकी बहन का नाम प्रिया है सर। अपन आपकी बहन से बहुत प्यार करता है, लेकिन ये बात उसको नहीं पता है सर। स्क्रू ढीला है क्या तुम्हारा? क्या सर? मतलब लड़का लड़की पहले एक दूसरे से मिलते हैं, लव शप करते हैं, उसके बाद जाकर माँ बाप से मिलते हैं। तू पहले ही मुझसे मिलने आ गया। वो तो पुराना स्टाइल था सर, अपन कुछ हटके करना चाहता था। एक्सप्लेन। आप अपनी सिस्टर को अपुन के बारे में बताओगे, है कि नहीं? हाँ। फिर आपके सिस्टर अपुन से मिलने के लिए आपसे जिद करेगी। तो अपुन को ये लगता है कि आपकी बहन के दिल में मेरे लिए लव पैदा हो जाएगा सर, 100% गारंटी से बोलता है। सच में? आप मेरे बारे में बता के तो देखो, वो जरूर पूछेगी। देखो मेरी बात सुनो, मैंने प्रॉमिस किया है कि आज मैं किसी को चोट नहीं पहुंचाऊंगा। आज मेरा जन्मदिन है इसलिए मैं तुम्हें वार्निंग दे रहा हूं, मैं अपनी आंख खोलूं उससे पहले तुम यहां से फुर्र हो जाओ। अरे केक रे, हाथ मत लगा। आपका फैसला तो बताइए ना, ताकि शादी के लिए आगे की तारीख फिक्स करें। तारीख फिक्स कर अब सर। नहीं 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 नहीं, नहीं, नहीं सर, ये गोली मत चलाओ। तू जा, अरे तू जा यार, निकल टावर है सर। ए जल्दी निकल यहाँ से। यार साले सर, तू बड़ा क्या दिखना मत, चल ये बेरो कटे कटे से आ जावे। एक नंबर का एंटीक पीस था। मामलो गड़बड़ है साहब, थे बंदूक निकाली फिर भी छोरो डरियो को नहीं। क्या कहना चाहते हो तुम? दिखने में डेढ़ पसली है लेकिन आपने गन निकाली फिर भी वो आपके सामने तन के खड़ा रहा सर। वॉचमैन, उस लड़के को ऊपर भेजो, भेजो उसको ऊपर। सर वो तो घंटी बजाता हुआ साइकिल पे चला गया। साइकिल पर आया था। हेलो। क्या हुआ भैया,
कुछ नहीं प्रिया, बताइए ना। अरे वो मुझसे मिलने साइकिल पे तुम्हारा एक आशिक आया था। मेरा आशिक? हाँ प्रिया। वैसे कैसा दिख रहा था वो? आप मेरे बारे में बता के तो देखो, वो जरूर पूछेगी। प्लीज बताइए ना भैया। मुझे इसके अलावा कोई काम धंधा नहीं है क्या? सॉरी भैया। नहीं सॉरी सॉरी, मैं थोड़ा टेंशन में था इसलिए। ओके। सर जी थे एक काम धंधा छोड़कर रोटियां कब से बनाने लगा सर? अरे हरिलाल, इनके लिए प्रिया पहले है और बिजनेस बाद में है। बिल्कुल सही कहा तुमने। कौन है ये? हेलो, मुझे मिस्ड कॉल आया था इस नंबर से। साले साहब पहचाना नहीं क्या? अपन बोल रहे हैं। वो मोबाइल में बैलेंस नहीं था ना, इसलिए मिस कॉल मारा। कौन बोल रहे हैं आप? क्या साले साहब भूल गए क्या? अरे कल आया था ना आपकी सिस्टर के साथ लव मैटर का बात करने आया था, तो कब भेजू अपने मम्मी पापा को? hey, तुझे और तेरे मम्मी पापा को जेल में डलवा दूंगा, बंद कर फोन। फोन करने की हिम्मत मत करना मुझे। कट कर दिया। किसका फोन था भैया? अरे वही टपोरी जो तुमसे शादी करने की बात करने आया था, उसे मेरा नंबर कहाँ से मिला? वो आपके साथ बिजनेस की कोई बात करना चाहता था, इसलिए मैंने नंबर दे दिया। भैया कौन है ये लड़का? तुम्हें जानने की कोई जरूरत नहीं है। नहीं अगर मुझे पता चल जाए तो मैं ज्यादा केयरफुल रहूंगी ना। ओह आई एम सॉरी। हरिलाल इसे वो कल वाली टीवी की फुटेज दिखा देना, वो पहचान लेगी। Hi. How are you? You how? Fine. मैंने जब से मॉनिटर में तुम्हारा चेहरा देखा ना, मैं तो फिदा ही हो गई। अरे अपनी तो बात बन गई। हाँ कुछ कहा तुमने? Thank you. मेरे दोस्त कहते हैं तुम्हारा आशिक हैंडसम हो या ना हो, बहादुर होना जरूरी है, और तुम तो हैंडसम के साथ बहादुर हो। बहुत ही क्यूट हो तुम। एक बार वापस थैंकू। मुझे तुमसे बहुत सारी बातें करनी है। क्या हम किसी कॉफी शॉप में चलें? जरूर। अरे इसके बाद क्या हुआ? अरे तो इतना शर्मा क्यों रहा है? अच्छा ये बता, तुम दोनों की ये प्यार की गाड़ी आगे कैसे बढ़ी? धीरू ये सब मेरी फ्रेंड्स हैं। हाय हाय हाय। हाय धीरू, दिल का राजा। क्या बे कहाँ का राजा है रे तू? गोरेगांव की जो माड़ा कॉलोनी है ना, उसमें 16 नंबर का। मेरा पुराना नौकर जो पोस्टमैन बन गया वो भी वही रहता है। अरे वो पोस्टमैन तो आप उनका नेबर है, हमारा कितना क्लोज रिलेशन है। धीरू पहले होटल चले या बीच पर? होटल में फ्रेश होके बीच पे चलते हैं ना। नहीं नहीं मतलब भूख लगी है ना, तो पहले होटल में खाना खाने के लिए चलते हैं। प्रिया इसे होटल में जाने की कुछ ज्यादा ही जल्दी है। ये लड़कियां तो ज्यादा ही डबल मीनिंग की बात कर रही है। स्वागत है आपका। अरे ये होटल जैसा क्यों नहीं लग रहा? वो क्या है ना, यहाँ पर मेरे मामा जी रहते हैं। चलो चलो अंदर चलो। नो 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 नो। अरे चलना रे, डरता क्यों है? अपन की आखी फैमिली में किसी ने लक्ष्मण रेखा पार नहीं की। क्यों? जानती हो सन 1978 में अपुन के फादर को IGP का ऑफर मिला था, लेकिन अपुन के खानदान का रूल है ना कि पुलिस थाने में पैर नहीं रखने का, इसलिए अपने पापा ने वो ऑफर ठुकरा दिया। मेरे दादा ने बहुत समझाया कि बेटे परंपरा को तोड़ दे, लेकिन अपना बापू एक का दो नहीं हुआ। उसके बाद क्या हुआ? ए मोटी मैं क्या कहानी सुना रहा हूँ क्या? ए अब इसकी बकवास मत सुनो, उठा कर ले चलो। क्या कहा? आजा मेरे होटल में। ए मोटी, अरे उतर। अरे अपन परंपरा तोड़ना नहीं चाहते, उतर मोटी। क्या कर रही है? क्या बात कर रहा है? उसके बाद क्या हुआ? उसके आगे ना इंस्पेक्टर अपन की पहचान का निकला। वो बोला अरे भाई तुम इधर, एक फोन करते मैं तुम्हारे घर आ जाता। मैंने बोला लव मैटर है, तो उसने सीधा दो फूलों का हार ही मंगवा लिया। किसके लिए? अरे शादी करने के लिए। क्या बात है धीरू, उन्हें स्ट्रेट बोल दिया, पहले अपन बिजनेस करेगा उसके बाद मैरिज बनाएगा। सही है, सही है। झूठ पे झूठ मत बोलो, सच्चाई बताओ। अरे साले कुत्ते, लड़की को छेड़ता है। मैं तेरी सिस्टर नहीं हूँ, डाल दूँ क्या लॉकअप में?
क्यों आइटम के सामने इज्जत का फालूदा कर लियो? आइटम बोलता है, आइटम बोलता है, लड़की को आइटम बोलता है तू? अब बोलेगा? वापस नहीं बोलूंगा। अब ये क्या है? पैरेंट लवली सिस्टर, काला थोपड़ा गोरा बना के प्रपोज मारने जा रहा था, तुमने बीच में आके सारा गेम बिगाड़ दिया। रुक, दो घंटे पड़ेंगे ना, अगर ठिकाने आ जाएगी, मार साले को। अरे भाई लोग, फ्लैशबैक में सच्चाई कम नमक मिर्ची ज्यादा होती है। अभी सच्चाई क्या है वो अपन तुम लोगों को बताता है। चल मान लिया मैंने, इतनी मार खाने के बाद तो तू उसके आसपास भी नहीं भटका होगा, है ना? मुझे भी यही लगा था, मगर ये तो मुझसे पहले कॉलेज पहुंच गया। प्रिया प्रिया प्रिया, ए पीछा क्यों कर रहे हो मेरा? तुम अपुन से लव नहीं करोगी? नहीं करूंगी। सोच लिया? सोच लिया। तो फिर तुमको ये बात डैडी को बतानी पड़ेगी प्रिया। किसके डैडी को? अपुन के डैडी को। तुम्हारे डैडी को मैं क्यों बताऊंगी? अपुन तुमसे प्यार करता है ये बात तुम्हारे भाई को बोला ना, तो तुम मुझसे प्यार नहीं करती, ये मेरे डैडी को बोल दो। ठीक है ठीक है, अपने डैडी का नंबर बोलो। 93800 62004। ओके प्रिया, ये तुम्हारा नंबर है क्या? ओके ओके, कल कहाँ मिलना है मुझे एसएमएस पे बता देना। बाय बाय। बहुत मजा आया था ना? कितनी बार बोलूं सिमरन, मैं तुमसे प्यार नहीं करता हूँ। देखो ये सब बोल के मुझे फुसवाओ मत। नहीं, मुझे तुम्हारी कार नहीं चाहिए, बंगला नहीं चाहिए, अरे बंगले में दो कुत्ते वो भी नहीं चाहिए। आई हेट यू एंड योर डॉग्स। अरे तुमने फोन काट के फिर क्यों फोन किया? ये सब क्या है? देख मैं तुझसे नहीं प्रिया से प्यार करता हूँ। अबे खुद को हीरो समझता है, प्रिया तुझसे शादी करेगी? जैसे मच्छर रात में नींद उड़ा देते हैं वैसे लव में भी उड़ जाती है। अगर मैंने अपने भाई को बता दिया ना तो तुम्हारी खैर नहीं। अरे हम भी ऐसे आशिक हैं जो तुम्हारे प्यार में मरने के लिए भी तैयार हैं। चाहे कुछ भी कर लो, मैं तुमसे प्यार नहीं करूंगी। काई को? अबे अपना स्टेटस देख और इसका स्टेटस देख। काई का स्टेटस? तुझे मालूम है इसका एक दिन का खर्चा कितना है? इसके खर्चे पे तू ऐश करती है, तेरे को ही पता होगा। तू बहुत ज्यादा बोलता है। मैं बोलता हूँ, तेरे जैसा खाता नहीं। प्रिया ये लड़का ना तुझे उल्लू बना रहा है। अच्छा, मैं उल्लू बना रहा हूँ? नकली बाल की दुकान क्या है ये सब? प्रिया ये मेरी बहुत ज्यादा इंसल्ट कर रहा है, अब मैं जा रही हूँ। रुकना प्रिया, तुम दोनों प्यार बांटो, ये कोल्ड ड्रिंक मैं किसी के साथ नहीं बांटूंगी। प्रिया आई लव यू। प्रिया नाउ यू से आई लव यू टू। ए हाँ छोड़ उसका, वो तुझसे कभी प्यार नहीं करेगी। काई को? उसका कलर देख और तेरा कलर देख। गोरा होना एक बीमारी है मैडम, गर्मी हो या सर्दी गोरेपन को छुपाना पड़ता है। क्या फायदा ऐसे गोरेपन का? फॉरेन के लोग यहाँ पे आते हैं अपनी गोरी चमड़ी को काला चमड़ी करने के लिए बीच पे घूमते रहते हैं। आई बात भेजे मैं। हाय, आज संडे है, आज तो मुझे चैन से जीने दो। अरे लव के लिए नो संडे मंडे, एवरी डे सेम डे, आई लव यू। किसी ने देखा तूने? नहीं हो सकता, नो लव शव। काई को? क्योंकि मेरे लिए मेरी फैमिली इम्पोर्टेंट है। तुम लड़की लोग का यही प्रॉब्लम है, फैमिली लेके बैठ जाती हो। अरे फैमिली ज्यादा से ज्यादा क्या देगी? पढ़ाएगी लिखाएगी, नए कपड़े देगी, अच्छे से देखभाल करेगी। अपन तो तुम्हारे लिए अपनी जान भी देने के लिए तैयार है। दिन में चढ़ गई है क्या? अरे ड्रिंकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ। तू जाओ वहाँ से, खुद तो जान दे दो मेरे लिए। कैसी लड़की है, सही लाइन का गलत मतलब निकालती है। अपन ने ऐसा थोड़ी बोला था। अच्छा, अपू ने ये बोला था तुम अपना लव एक्सेप्ट करो, हम शादी कर लेंगे। छह महीने में तो बच्चे हो, हमारा छोटा परिवार हो, वो मुझे प्यार से बोलेंगे पापा, मम्मी, पापा, बच्चा, छोटा परिवार, सुखी परिवार। शाम को मैं थक के जब घर पे आऊंगा तो तुम मुझे प्यार से गले लगा लेना और हमारे छोटे बच्चे भी प्यार से पापा पापा करते आएंगे और तुम गर्मा गर्म खाना अपने हाथों से मुझे खिलाना। अब बोलो ना, तुम मुझसे प्यार करती हो कि नहीं? 100 बार तुमसे कह चुकी हूँ कि मैं तुमसे प्यार नहीं करूंगी, भाड़ में जाओ। अरे तुम प्यार जरूर करोगी, ऐसा कैसे कह सकते हो? कॉन्फिडेंस प्रिया, कॉन्फिडेंस। हाथी की ताकत उसकी सुंड में है, इंसान की ताकत उसकी उम्मीद है। तेरे प्यार के लिए अपन कोई भी रिस्क लेगा। कोई भी रिस्क ले सकते हो? अरे चाहे आजमा के देख लो। पहले जाकर वो रिंग लेकर आऊं, फिर देखते हैं कितना कॉन्फिडेंस है। जाओ। पानी बहुत गहरा है और तैरना अपन को आता नहीं है। अगले जन्म में मिलेंगे। अच्छा बता पानी कितना गहरा था? वो एक मिली है। हाँ पूछता हूँ। अरे रिंग मिली या नहीं ये बताना। नहीं मिली। मुझे अच्छे से पता था।
कि वो रिंग नहीं मिलेगी। अब क्या हुआ, कहाँ गया तुम्हारा कॉन्फिडेंस? सुनामी और भूकंप आने के बाद भी भगवान पर से हमारा विश्वास नहीं उठा, तो तुम्हारे इन छोटे मोटे चैलेंज से मैं थोड़ी ना तुम्हें भूलने वाला हूँ। तुम मेरे लिए बनी हो और मैं तुम्हारे लिए। कैसे कह सकते हो? बताता हूँ, मंदिर में तुमको देखते ही अपन को तुमसे लव हो गया। अपन तेरे से मिलना चाहता था लेकिन बदकिस्मती से मिल नहीं पाया। फिर पूरा दिन बैठकर यही सोचता रहा कि दोबारा तुम मुझे दिखोगी या नहीं, लेकिन किस्मत देखो तुमसे बार बार मुलाकात होती रही। अब इसको तो क्या बोलेगी प्रिया, इसी को तो प्यार कहते हैं ना रे। धीरू, प्यार दोनों तरफ होना चाहिए, एक तरफा प्यार प्यार नहीं सपना होता है। सपनों की दुनिया से निकलकर हकीकत में आ जाओ। तुम जो भी कहो, तुम अपुन से जरूर लव करोगी और अपुन वेट करेगा। ओके, कल शाम 5 बजे तक अगर तुमने मुझे ढूंढ लिया तो मैं तुम्हारे प्यार को एक्सेप्ट कर लूंगी, और नहीं ढूंढ पाए तो अपनी शक्ल मत दिखा। चलेगा, मेरा प्यार सच्चा है, मैं तुम्हें ढूंढ ही लूंगा। अगर ऐसा हुआ तो मैं तुम्हारे प्यार को एक्सेप्ट कर लूंगी। अच्छा प्रिया, अगर उसने तुझे 5 बजे से पहले ढूंढ लिया तो क्या तू उससे शादी कर लेगी? हाँ इम्पॉसिबल, वो इस जन्म में तो मुझे कभी नहीं ढूंढ पाएगा। वैसे तूने कहाँ छुपने का प्लान बनाया है? कौन आया? दिल्ली से आई है, पोस्टमास्टर से मिलने आई थी पर वहाँ ताला लगा है। लेकिन उन्होंने तो अपना घर बदल लिया है ना? इसे मालूम नहीं था और नया पता भी नहीं मालूम। इसकी 5 बजे की ट्रेन है इसलिए मैंने इसे यहीं रोक लिया। कहाँ जाती बेचारी? बैठो बेटा बैठो। कल शाम 5 बजे तक अगर तुमने मुझे ढूंढ लिया तो मैं तुम्हारे प्यार को एक्सेप्ट कर लूंगी। कैसे जाओगी बेटा? ऑटो से। ऑटो से? ऑटो से सीधे दिल्ली जाओगी? तो चर्बी चढ़ी तेरे को? सॉरी ना। हॉस्पिटल जाना है तो जरा जल्दी आ जाना। माँ माँ प्लीज माँ, आज पापा के साथ चली जाओ ना। अरे ऐसा क्यों कह रहा है? मैं किसी काम में बिजी हूँ माँ। वो कहीं जरूरी काम में अटक गया है, नहीं आ सकता। इतना बिजी तो प्राइम मिनिस्टर भी नहीं होता कि अपनी माँ के इलाज के लिए ना जाए। तैयार हो गई तुम? चले। हाँ हम हॉस्पिटल जा रहे हैं, जल्दी लौट आएंगे। तुम यहीं रुको, मेरा छोटा बेटा आते ही होगा। ठीक है, हम जल्दी वापस आ जाएंगे। अगर ट्रेन का टाइम हो जाए तो तुम चली जाना, ठीक है? ये धीरूभाई के घर का नंबर है? हाँ बताइए। उनका एक्सीडेंट हो गया है, वो सिटी हॉस्पिटल में एडमिट है। कैसे हुआ? भैया जल्दी चलाइए ना। तुमने मुझे ढूंढ लिया तो मैं तुम्हारे प्यार को एक्सेप्ट कर लूंगी।
मुझे बहुत डर लग रहा है। अगर भैया को पता चल गया तो पता नहीं क्या होगा। मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती। कुछ नहीं होगा बाबा। ओके, दोनों में से एक उंगली पकड़ो। ये तो बचपन का गेम है। प्लीज पकड़ो ना, जल्दी। तेरा भाई चाहे माने या ना माने, शादी तो अपन तेरे से ही करेगा। ये तुम्हें मिली कहाँ से? उस दिन उड़ी मारा था ना। तो मुझे उसी दिन क्यों नहीं दी? अरे गाड़ी में पेट्रोल नहीं था ना, इसलिए गिरवी रख दिया था। झूठे कहीं के। अरे बाबा अपन सोचा जिस दिन तू लव एक्सेप्ट करेगी उस दिन पहना देगा। अच्छा अगर मैं तुम्हारे प्यार को एक्सेप्ट नहीं करती तो क्या तुम मेरी रिंग को अपने पास रख लेते? अपन जानता था तू पक्का एक्सेप्ट करेगी। तुम्हें कैसे पता था? कॉन्फिडेंस प्रिया, कॉन्फिडेंस। रहने दो रहने दो। चल अच्छा है तूने प्रिया का प्यार जीत लिया, बस इसी तरह अब इसके भाई को पटा के जल्दी से शादी कर ले। क्या हुआ प्रिया, तो इतना टेंशन में क्यों है? यहाँ बात नहीं कर सकते, चलो कहीं और चलते हैं। बोलो प्रिया क्या बात है? कुछ भी तो नहीं। तो खाली पॉकेट में इतना टेंशन क्यों दिया? मैं देखना चाहती थी कि तुम टेंशन में कैसे दिखते हो। रुको अपन एक झकास आइसक्रीम लेके आता है। मेरे लिए दो कॉर्नेटो। हाय, तुम यहाँ क्या कर रही हो? आज कॉलेज नहीं गई? अच्छा फ्रेंड के साथ आई? हाँ वो। ओ, पर तुम्हारी फ्रेंड नजर नहीं आ रही। अब वॉशरूम गई है। ओ, मैडम आइसक्रीम। सर आप क्या लेंगे? तुम यहाँ काम करते हो? हाँ। और तुम चाहते हो कि मैं यकीन करूं? अच्छा इसे मारूंगा तो दर्द तुम्हें होगा है ना? हाँ सर। दोबारा फोन मत करना, प्रिया मर चुकी है। प्रिया, प्रिया, अरे रे, ये क्या कर लिया? हेलो, प्रिया ने नस काट ली। क्या? मुझे बहुत डर लग रहा है। डॉक्टर के पास लेके जा रहा है। अब जल्दी आ जाओ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मैं अकेले क्या करूं? आप सुन रहे हो ना? हेलो, मैंने तुम्हें यहाँ पर प्रिया से शादी करने के लिए नहीं बुलाया है।
तुम्हें अपनी जान बचाने के लिए बुलाया है, क्योंकि प्रिया ही मेरी जान है। आपन भी यहाँ आपके बुलाने पे नहीं आया है, मैं भी अपनी जान को बचाने के लिए आया हूँ, और मेरी जान मेरी प्रिया है। प्रिया को अपने दिलो दिमाग से निकाल दो, तुम उसके लायक नहीं हो। वो तुम्हारी नहीं हो सकती, वो मेरी है। तुम उसके लायक नहीं हो। बिल्कुल साले साहब, अपन उसके लायक है। ये मुमकिन नहीं है। मुमकिन है? नहीं है मुमकिन। बिल्कुल मुमकिन है। मन करता है कि अपने हाथों से तुम्हारा गला घोट दूं मैं। अपन तैयार है मरने को। देख देख देख, मैं जानता हूँ मेरी बहन तो उसे प्यार करती है, इसीलिए तू अभी तक यहाँ पर जिंदा खड़ा हुआ है। अब जानते रहो मेरे से प्यार करती है तो शादी करवा दो ना। नहीं करवा सकता। क्यों नहीं करवा सकते? क्यों बीच में विलन बन रहे हो? विलन? मैं तुझे विलन दिखता हूँ? मैंने उसे कितने प्यार से पाल पोस के बड़ा किया। चाहता हूँ किसी ऐसे घर में उसकी शादी हो जहाँ वो खुश रहे, और तू मुझे विलन कह रहे हो? और तू जैसा भुक्कड़ आवारा सड़क छाप उसे प्यार में फंसा कर खुद को हीरो कहलाएगा? मैं तो हीरो ही हूँ। क्या? शादी से पहले लड़की की पहचान उसके माँ बाप होते हैं। शादी के बाद तो हस्बैंड का सरनेम लगता है ना। शादी से पहले कविता शर्मा, शादी के बाद कविता वर्मा, शादी से पहले उमा चौबे, शादी के बाद उमा दुबे। लव में सब पॉसिबल है साले साहब, क्योंकि लव में उतनी पावर होती है। तेरे जैसे लड़के सिर्फ धोखा देना जानते हैं, प्यार निभाना नहीं। अरे धोखा कौन दे रहा है? देखिए, लड़की के माँ बाप की जिम्मेदारी लड़की के शादी होने तक की होती है, लेकिन उसके बाद जिंदगी भर उस लड़की को संभालता कौन है? उस लड़की का लव। लव गया तेल लेने। आज तुम उससे लव करोगे, शादी करोगे, कल को तुम उससे झगड़ा करके उसे यहाँ पटक जाओगे। उस समय तुम्हारे लव को तुम नहीं बल्कि उसका भाई संभालेगा। जिंदगी में लव के कोई मायने नहीं, सच है तो खून का रिश्ता। लेकिन अपन तो ऐसा बिल्कुल नहीं करेगा। प्रिया को अपन हमेशा कलेजे से लगा कर रखेगा। लेकिन खिलाएगा क्या? कटोरे में भीख मांग के? सर क्या सर? क्या सर सर लगा रखा है? तुमने अपना हुलिया देखा? तुम्हारी औकात ही नहीं शादी करने की। अरे बताओ ना यार, अपन में क्या कमी है? एक कमी हो तो बताओ ना, कोई स्टेटस है ना बैंक बैलेंस है, जीरो हो तुम। लव के लिए बैंक में बैलेंस नहीं, दिल में प्यार होना चाहिए। हट यार, अरे जरा प्रैक्टिकली सोचा कर। लव करने निकला है, जिंदगी में लव के कोई मायने नहीं होते। ना ही तुम दो वक्त की रोटी खरीद सकते हो, ना ही सुख चैन। जिंदा रहने के लिए सबसे जरूरी है पैसा। मेरी बहन को 5-स्टार होटल में खाना खाने की आदत है। जितनी तुम्हारे एक महीने की पगार होगी उतना उसका एक दिन का खर्चा है। तुम्हें कहीं भी नींद आ सकती है, लेकिन मेरी बहन को एसी के अलावा कहीं सोने की आदत नहीं। तुम जोकर जैसे इस तरीके के उल जरूल कपड़े पहनकर कहीं भी घूमते हो, लेकिन मेरी बहन को अपने कपड़ों के कलर के साथ साथ कार का कलर भी मैचिंग चाहिए। जिंदगी की बात छोड़ो, तुम उसे एक घंटा भी खुश नहीं रख पाओगे। इसलिए तुम्हें नसीहत दे रहा हूँ, बेहतर है कि उसे भूल जाओ। निकाल दो दिमाग से उसे, आज के बाद उससे कभी मत मिलना। यही बात अपनी सिस्टर को क्यों नहीं समझा दे? वो मेरी बात सुनती नहीं है। तो अपन भी क्या तंबूरा सुनेगा? मेरी बहन ने अपने हाथ की नस काटी क्योंकि मैंने तुम पर हाथ उठाया, लेकिन फिर भी तुम मेरे बुलाने पर फौरन यहां चले आए। सच है कि हम मर्द औरतों से ज्यादा भावुक होते हैं, इसलिए मैं तुमसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं। क्योंकि मेरी बहन नादान है, वो दुनियादारी नहीं समझती। मेरी भावनाओं को समझो, मेरे जज्बातों को समझो। मानता हूं कि तुम्हारा प्यार सच्चा है, और सच्चे प्यार की खातिर आदमी कोई भी कुर्बानी दे सकता है। ओके बॉस, अपन आपकी फीलिंग और जज्बात की कदर करता है, लेकिन सिर्फ फीलिंग और जज्बात से काम नहीं चलता है ना। कोई बीच का रास्ता निकालिए ना, जिससे सबका ही भला हो जाए। मतलब सेटलमेंट बॉस, समझौता। कितना चाहिए तुम्हें? अब अपन क्या बोलेगा बॉस, आप ही कोई आंकड़ा बोल दो। 2 लाख रुपए। क्या कहा? 2 लाख रुपए? आप जोक बहुत ही अच्छा कर लेते हो साले साहब। 5 बजे का अलार्म लगा के सोना, अलार्म बजने से पहले उठकर उसे बंद कर देना ताकि कोई जाग ना जाए, डैडी के पॉकेट से कुछ पैसे निकालना, फिर बाइक पे घूमना, अगर वो रास्ते में बंद पड़ जाए तो घसीटते हुए उसे पेट्रोल पंप पे ले जाना, फिर जेब में ज्यादा पैसे ना होने की वजह से सिर्फ 0.5 लीटर पेट्रोल डलवाना कितना मुश्किल होता है। बाप रे बाप, मंदिर में पहली बार जब आपकी बहन को देखा तभी मेरी घंटी बज गई थी। पता है उसको पटाने के लिए कितने पापड़ बेलने पड़े? साला लड़की को पटाना खर्चे का काम है बॉस। लेकिन अपन को मालूम था अपन इस पे 100 खर्च करेगा तो बदले में अपन को 1 लाख तो मिलेगा ही, इसलिए अपन ने बिल्कुल सोचा ही नहीं, सीधा आप पर अटैक कर दिया और आपके जरिए आपके सिस्टर को पटाया। आप तो अच्छी तरह जानते हो कि आपकी बहन पढ़ी लिखी लड़की है, अगर अपन उसको डायरेक्ट प्रपोज करता तो वो क्या बोलती? छी, शक्ल देखिए तेरी, प्यार, वो भी तेरे से पागल हो गया क्या तू? इसलिए अपन आपके जरिए उसके दिल का राजा बन गया। ना जाने अपन का कितना खर्चा हुआ, कितना ड्रामा किया अपन, आपके हाथ से मार भी खाया, तब जाके उसने अपन को आई लव यू बोला, और आप बोलती हो कि मैं सब भूल जाऊं, वो भी 2 लाख में। अभी तो आप समझ ही गए होंगे कि अपन कितना कमीना किस्म का माहौली है साहब। अपन को भी बड़ा हाथ मारने का है, प्यास लग गई, पी लो पानी पी लो।
मेरी लव स्टोरी जस्ट स्टार्ट हुई थी, उसको आप दी एंड करने की सोच रहे हो? चलो तुम ही बताओ कितना चाहिए। अपन क्या बोलेगा, चीज आपकी है तो दाम भी आप ही बोलो। 2.5 करोड़ ठीक रहेगा? 2.5 करोड़? 5 करोड़ ये फाइनल है। ये दो नोट नकली है, बदली कर दो। बावड़ा, मैं थोड़ी छापी हूँ, गलती से आ गई होगी, बाकी तो असली है ना। नोट बदली करके दे दो वरना डील कैंसिल हो जाएगी। अंकल जरा 100 रुपए देना। किस लिए? ऑटो के लिए। क्या कहा? अरे इतने पैसे लेके बस में थोड़ी जाऊंगा, जल्दी लाओ। मर सुनो, आइंदा ना तो अपनी ये शक्ल दिखाना ना ही प्रिया के आसपास भटकना। पैसों के आगे प्यार झुक जाता ये सुना था, आज तो देख भी लिया, चलता है। पेंसिल से लिख के अपने भाई की इज्जत मत उतार। ये ले 1000 का नोट और पेंसिल खरीद ले। ये ले और 500 रख ले। 500 किस लिए? अबे तू जब गलत लिखेगा तो उसको मिटाने के लिए रबर भी लगेगा ना। पापा पापा, भैया के पास बहुत सारे पैसे हैं। क्या रे, इतना पैसा कहाँ से लाया? माँ पापा जिस जमीन को खरीद कर पछता रहे ना, उस जमीन को अपन खरीदेगा। जरा पूछो इनसे कितना दाम है उसका। ये तो क्या बोल रहा है? सच बोल रहा हूँ माँ, अगर झूठ लग रहा है तो देख लो। देखो बहुत पैसा है अपने पास। ये पैसा तुझे कहाँ से मिला? किसने दिया तुझे इतना पैसा? जरूर चोरी की होगी। अरे आपको तो खुश होना चाहिए कि ये पैसा आपने कमाया, कोई झोल झपटा नहीं किया है। देख अपनी माँ की कसम खा के बता कि ये पैसा तू कहाँ से लाया है। सच सच बोल, बोलता क्यों नहीं? नहीं नहीं, इसने जरूर कोई गलत काम किया है। अपन सच बोल रहा है। सुन, इतना पैसा कमाने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है मैं अच्छी तरह जानता हूँ। सच बता, ये पैसा तू कहाँ से लाया? बोलना, बता मुझे। बता दे बेटा। बोलता है, आपको तो पता है एक लड़की से मैं लव करता था। उस लड़की के भाई ने अपन को बुलाया और बोला कि अपनी बहन को भूलने के लिए कितना पैसा चाहिए। बोल, अपन ने भी सोचा कि मौका बहुत अच्छा है, दोनों हाथों से पैसा बटोर लो। ये वही पैसा है। अरे अब तक मैं सोचती थी कि तू जरा भी जिम्मेदार नहीं है, लेकिन अब तो लगता तेरे पास दिल भी नहीं है। तूने उस बेचारी के प्यार को पैसों से तोला, तू इतना कैसे गिर गया? तू कभी नहीं सुधर सकता। चला जा यहाँ से, उठा अपने पैसे और दफा हो जा यहाँ से, जाना। माँ लाइफ में पैसा ही सब कुछ है। तेरे लिए होता होगा, हमारे लिए कभी नहीं। माँ ये बापू की प्रॉब्लम क्या है, हमेशा डांटते हैं। मुझे कुछ नहीं सुनना, अपना पैसा उठा और जा यहाँ से। पहले तो बापू अपने को निकालने के लिए तुला रहता था, अब तो तू भी ऐसा बोल रही है। जाता है, अपन ने सोचा था अपने घर से ही नया बिजनेस शुरू करेगा, लेकिन नहीं होगा। अभी भी मौका है, पैसे की जरूरत हो तो मुझसे मांग लो। चल छोटो, अगर सामने से मांगने में शर्म आ रही है तो फोन कर लेना। अपन का नंबर है 9380062004। टिफिन पूरा खत्म करना। प्रिया कहाँ जा रही हो? डॉक्टर ने आराम करने को कहा है ना? धीरू से मिलने जा रही हूँ। प्रिया, प्रिया, वो तुमसे नहीं मिलेगा, फिर भी जाना चाहती हो तो जाओ। क्यों नहीं मिलेगा बताओ भाभी? तुम सच्चाई नहीं सुन पाओगी। छोरो थारे से नहीं, तेरी दौलत से प्यार करे। क्या बकवास है ये? उस भिखारी ने तुम्हारे प्यार के बदले तुम्हारे भाई से पैसे मांगे। आपको भैया ने यहाँ भेजा है? अरे यहाँ कोनी। मुझे आप पर जरा भी भरोसा नहीं। प्रिया हरिलाल एकदम सही कह रहा है। मुझे उस पर पूरा भरोसा है, पैसों के लिए मेरे प्यार को कभी नहीं ठुकरा सकता। सच्चा प्यार करता है मुझसे। मैंने खुद उसे पैसे दिए, तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं?
मुझे आप पर भरोसा नहीं है। उस पर तो भरोसा है ना, वो कहेगा तो मान लोगी ना, तो जाकर पूछ लो उससे। नहीं प्रिया। लेकिन भैया ने खुद मुझसे कहा। झूठे हैं वो, लव को पैसे से तोल रहे थे। पैसों का रोक झाड़ के मुझसे बोले थे कि मैं तुमको भूल जाऊं। मैंने मना कर दिया। जब अपन वहां से निकला तो ऑटो के लिए 100 रुपए भी दे रहे थे, लेकिन अपने 100 रुपए भी नहीं लिए। तो तुमने कोई पैसे नहीं लिए? तेरे को भरोसा ही नहीं है? थीरू मैं तो यूं ही पूछ। प्रिया, प्रिया, तुम्हारे भाई ने अपन को विलन बनाया, कोई बात नहीं, मगर तुम भी शक करोगी तो अपन अपन रो पड़ेगा। प्रिया, लव तो एक ट्री के माफिक होता है, और पैसा हवा का एक झोंका। जब हवा चलती है तो ट्री हिलता है, लेकिन वो हवा के साथ उड़ नहीं जाता। प्रिया प्रिया, ये बात तुम्हारे भाई के लिए नहीं, अपन अखा दुनिया के लिए बोलता है। पैसा लव को कभी नहीं खरीद सकता। तुमको भरोसा है ना अपन पे? अपनी जान से भी ज्यादा। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगी धीरू। तो मिला उस धोखेबाज से, क्या कहा उसने? मुझे इस घर के अंदर आने में भी शर्म आ रही है। अच्छा, ऐसा क्या कह दिया उसने? सच बोला उसने। कौन सा सच बोला, हमें भी तो सुना दो। उसने पैसे नहीं लिए हैं। सारा एक नंबर का झूठा। झूठ कहा उसने तुमसे? अगर किसी ने भी धीरू के बारे में उल्टा सीधा कहा ना, तो मैं अपनी जान दे दूंगी। प्रिया, फोन लगाओ उसे, बुलाओ उसे यहाँ। हेलो छोरा, तू जल्दी से भाग का। अपॉइंटमेंट लिया गया। आ जा। अबे साले, तुझे तो मैं नहीं। आप रुकिए, मैं बात करता हूँ। मैं हूँ ना लोकेश्वर। तू प्रिया ने पिसा की बात क्यों को नहीं बोली? सर, कौन से पैसे के बारे में बात कर रहे हो? इसको तो डांग में नीचे रखो सर। मैं बात कर रहा हूँ ना सर, आप मुझ पर भरोसा रखिए। रुकिए, दिल फेंक आशिक, तुमने इनकी बहन पर दिल फेंक दिया? हाँ, फेंका। बाद में तुमने क्या फेंकने को बोला? पैसा। हमने फेंक दिया कि नहीं फेंक दिया? फेंका ना। अच्छा, कितना फेंका? 5 करोड़। माने एक? हाँ, मानता हूँ ना। तो फिर तुमने प्रिया को क्यों कहा कि नहीं फेंका हमने? मैंने ऐसा कब कहा? बार बार क्यों गुस्सा हो जाओ, मैं कर रही हूँ ना बात। बेटा, तू टेरस पे आया था ना? हाँ, आया था। तो सर तने के बोला? मेरी बहन को भूल जाओ। तो बदले में तूने क्या कहा? मैंने पैसा मांगा। सर ने तुम्हें कितना पैसा दिया? 5 करोड़ रुपया। पैसा लेने के बाद तू प्रिया ने क्या बोलियो? अपने तो खाली सच बताया। क्या सच बताया तूने? देख, तुमने पैसा लिया और कहा कि तुम प्रिया को भूल जाओगे, तो फिर तुमने मेरी बहन से झूठ क्यों कहा कि तुमने पैसा नहीं लिया है? वो क्या है ना साले साहब, अपुन ने आपसे जो पैसा लिया था वो आपकी बहन को भूलने के लिए लिया था। अब ये सारा मैटर उसको बताने का है, तो उसका अलग चार्ज होगा ना। आप कितना चाहिए? मेरे को क्या पूछ रहे हो, चीज आपकी है, आप ही डिसाइड कर लो। 1 करोड़ चलेगा। ले ये 100 रुपए भी रख ले। ये काई को? अरे ऑटो के। सॉरी, आपों ने नई गाड़ी खरीद ली। साले साहब, चलता है। धीरू, प्रिया अंदर वेट कर रही है, देखकर तो लगता है कि बहुत गुस्से में है। हाय प्रिया। हाय। अब वो तुमने जो 1 मिनट, पूजा फिनिश कर लेता है। बोलो प्रिया। मेरे भैया ने मुझसे कहा कि तुमने उनसे पैसे लिए, पर मैंने यकीन नहीं किया। क्या प्रिया, अभी तक तुम इसी बात पे अटकी हुई हो? प्यार करती हो, थोड़ा भरोसा किया करो। मैंने तुम्हें पैसे लेते हुए देखा है। अरे पैसे लेने के टाइम तू पर्दे के पीछे खड़ी थी, अपन को मालूम था। हाँ, चल अब ये ड्रामा छोड़। अरे तू जानती नहीं है, प्राइमरी स्कूल में अपन भी बहुत बड़ा नौटंकीबाज था, खूब तालियां बजती थी अपन के ड्रामा पे। अरे एक्टिंग में तो मेरे आगे अच्छे अच्छे एक्टर भी पानी कम है। तो तुमने मुझसे प्यार का नाटक किया? तुम्हारे भाई ने अपन को जान से मारने की धमकी दी। जरा सोच के देखो, अगर पैसा लिए बिना मैं लव की बड़ी बड़ी बातें करता, प्रिया अपन की जान है, अपन उसे भूल नहीं सकता। प्रिया से शादी करके अपन आपको साले साहब बनाना चाहता है, तो वो साला बिना सोचे समझे अपन के फोटो पे हार चढ़ाई देता। एक ही जिंदगी मिली है तो उसको हंसी खुशी जीने का छोड़ के काई को लफड़े में पड़ने का? मुझे मेरी जिंदगी जीने दे, तो अपनी जिंदगी जी ले। अपना प्यार बहुत कच्चा है यार। प्रिया, अगर अपन मर गया तो तुम कितने दिन रोती? 1 महीना, 2 महीना, उसके बाद क्या? तुम्हारा भाई तुम्हारी शादी करके तुम्हें विदेश भेज देता, उसके बाद तुम क्या करती बताओ? तुम अपने इंडिया को भूल जाती,
अरे जब अपने देश को भूलने में तुमको टाइम नहीं लगता तो फिर मुझे भूलने में तुमको कितना टाइम लगता प्रिया? मुझे तुम्हारा ये लेक्चर नहीं सुनना है। अपन को दाम मिला अपन भूल गया, तो बोलो ना और अपन क्या कर सकता था? साला ऐसी बॉडी लेके अपन लड़ भी नहीं सकता है ना। तुमने ही कहा था ना कि हमारा प्यार ट्री जैसा है और वैसा ही रहेगा। अरे प्रिया लेकिन आंधी तूफान जब आएगा तो बेचारा ट्री क्या करेगा? तो अब तुम्हारा क्या फैसला है? अरे फैसला तो हो चुका है, देख अभी अपन करोड़पति है और अच्छा खासा बिजनेस भी हो गया है, तो अपन को अब तेरी जरूरत नहीं है। अरे तेरे जैसे तो बहुत आ जाएंगे मेरे पास। क्या करने जा रही थी प्रिया? भाई ये बैंक ऑफ बड़ौदा कहाँ पड़ेगा? मालूम नहीं साहब। अच्छा तो कम से कम एमजी रोड कैसे जाने का बताओ। एमजी रोड आगे जाके सीधे लेफ्ट मारो। आगे जाके लेफ्ट टर्न। ओके थैंक्स। क्या हुआ हीरो? तुम तो बैंक को ढूंढ रहे थे, बैंक की जगह अचानक शमशान कैसे आ गया यही सोच रहे हो ना? चेक पर जो बैंक का एड्रेस लिखा था वो झूठ था, तुम्हारे प्रेम की तरह। अभी तक तुमने डुप्लीकेट चेक के बारे में ही सुना था, अब डुप्लीकेट बैंक भी बन गए। ओ जरा, वो चेक कोऑपरेटिव बैंक का नहीं है, शमशान कोऑपरेटिव बैंक का है। तुमने प्यार का नाटक करके मुझसे पैसे लूटने चाहे तो मैंने भी ईंट का जवाब पत्थर से दिया। अब और भी तुम्हारी कुछ फरमाइशें हो तो बता दो, मैं इसीलिए यहाँ पर आया हूँ। आपसे तो लिए ही, इसने मुझसे भी ऑटो के पैसे लिए। बिदिन मन पैदल पैदल घर भागना पड़े सर। मुझे ब्लैकमेल करने चला था? ए, हम पैदाइशी बिजनेसमैन हैं। जिस प्रॉब्लम को तुम ठीक करने में उस्ताद हो ना, हम उसी प्रॉब्लम को पैदा करने में उस्ताद हैं। सड़कों पर घूम घूम के मदारी का खेल दिखाओ, ज्यादा होशियारी मत दिखाओ, नहीं तो इसी कब्रिस्तान में मैं तुम्हें कहीं गाड़ दूंगा। याद रहे, मैं दिखने में हाई क्लास लगता हूँ मगर अपने मकसद के लिए किसी भी हद तक जा सकता हूँ। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि हमारी कंपनी का मुनाफा इस साल 100 गुना बढ़ गया है। लेट्स सेलिब्रेट सर। मेरा कहने का कलेक्टर साहब बात करेगा। हाँ एक्सक्यूज मी, बोलिए सर। कौन बोल रहे हैं? साले साहब भूल गए? अरे यार धीरू। अबे कुत्ते कमीने, तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे फोन करने की? कहे कहीं के मैं तुझे, आई एम सॉरी। इतना इमोशनल होने की जरूरत नहीं है साले साहब, अपन भी एकदम धासू गाली दे सकता है आपको, जिसको सुनने के बाद ना पता नहीं कहाँ कहाँ से धुआं निकलेगा आपका, वो भी स्लो मोशन में, समझे? थोड़ा तमीज से बात करने का। अब तू मुझे तमीज सिखाएगा? अरे अपन के पास आपकी सिस्टर का कुछ हॉट शॉट फोटो है साले साहब, एकदम हॉट चिक लग रही है। कीमत बोल। जो अमाउंट आपने चेक पे डाला था उसका डबल यानी 2 करोड़। कमीने मत। अरे साले साहब आपकी सिस्टर धीरू के प्यार में पड़ी है, आपका गुरूर तो टूट जाएगा। अगर ये फोटोज नेट पे चले गए तो सोचो आपकी इज्जत का क्या होगा। अबे मैं तुझे, तब तो आपकी बहन के हाथ पीले करने के लिए कोई टपोरी भी नहीं मिलेगा। बता कहाँ मिलेगा? बैंक ऑफ बड़ौदा। बट कैश, आई डोंट ट्रस्ट योर चेक। और साले साहब ज्यादा वेट तो नहीं करना पड़ा ना? नहीं अभी अभी आए हैं। क्या करे, सुबह सुबह ऑफिस जाना पड़ता है ना, तो लेट होता है। ऑफिस? बस क्या साले साहब, बंदर का नाच नचाने वाला मदर ही समझ कर रखा है क्या आपको? मानता हूँ कि आप उनके पास आपके इतना दिमाग नहीं है, लेकिन इतना तो समझता है कि सामने वाले से काम कैसे निकालने का। आप नकली चेक दे के शमशान का एड्रेस छाप के बोलोगे कि ये चेक बैंक ऑफ बड़ौदा का है। जरा सोचो, अगर ये चेक आपने कोर्ट में दिखा दिया तो कोर्ट आपको कितना बड़ा जुर्माना लगाएगा, कितने साल की जेल ठोकेगा पता है? साले साहब पहले आप प्रॉब्लम को समझा करो।
प्रॉब्लम को समझोगे नहीं तो उसको सॉल्व कैसे करोगे? भेजे में घुस रहा है ना। ए, फोटो कहाँ है? पैसा किधर है? ले देख के तसल्ली कर ले। देखने की जरूरत नहीं है क्योंकि इस बार आप अपनी सिस्टर के मामले में कोई रिस्क नहीं लोगे। फोटोज और नेगेटिव्स देखना मत, शर्म आएगी। चलो क्या? अब बोल कुत्ते, मैं चाहूं तो अभी के अभी तेरा भेजा उड़ा सकता हूं। मुझे ब्लैकमेल कर रहा है। ब्रीफ केस नीचे रख और वो कार जो मेरे पैसों से खरीदी थी उसे वहीं छोड़कर ऑटो से तुरंत निकल ले। निकल जी के बात हम उड़ गिरे और राम नाम सत्य कर दो जल्दी का। ए, हंस क्यों रहा तो? आप ये कमीनापंती करोगे अपन पहले से जानता था, इसलिए आपने कमिश्नर ऑफिस में पहले ही कंप्लेंट डाल दिया। अगर अपन की बॉडी पे एक भी जगह खरोच आई ना तो पुलिस आपको इतनी जगह खुरीद देगी आप सोच भी नहीं सकते। क्या बोले रे? तू टेंशन मत ले रे, तेरा नाम भी मैंने एनसी में लिखवा दिया। मैं तो इनको नौकर हूँ। मेरा छोटा मुंह बड़ी बात सर, मैंने तो ऐसे ही कह दिया आप गोली चलाएंगे तो ये आरी चला देगा सर। कंप्लेंट डुप्लीकेट कॉपी। साले साहब, गुंडागर्दी में आप पहली बार कदम रख रहे हो, लेकिन आप तो पैदाइश ही गुंडा है, समझ गए ना? लड़की के प्रेमी ने प्रेमिका के भाई की जान ले ली। यो के है सर, कंप्लेंट बोल के हमारे हाथ में न्यूज़पेपर थमा के चला गया। वंदे राजा वरुणो ध्रुवंते जो बृहस्पतिहे ध्रुवंत इंद्रस्त्राग्निश्चरश्चंदारयता ध्रुवो। बेटा यहाँ आओ और इस ईट को उठाकर इसकी स्थापना करो। अब इस पर चावल चढ़ाओ, ये लो फूल और इस पर चढ़ाओ। देख रहे हैं दोपहर की बुलेटिन। आज हम मिलने वाले हैं मिस्टर धीरू से, जो कि इस शहर के सबसे बड़े और डैशिंग बिजनेसमैन हैं। तो आइए उनसे मिलते हैं और बात करते हैं। हेलो मिस्टर धीरू। हेलो, कैसे हैं आप? हाँ ठीक है ठीक है। तो हमें बताइए मिस्टर धीरू, आप ऑलरेडी इतने एस्टैब्लिश बिजनेसमैन हैं, तो आप आगे क्या करना चाहते हैं? आपका सपना क्या है? वैसे तो सारे लोग ऑलराउंड दुनिया घूमना चाहते हैं, लेकिन मैं ऑलराउंडर बनना चाहता हूँ। मैं बचपन से टॉप क्लास बिजनेसमैन बनना चाहता था। और आप इतने कम समय में इतने सक्सेसफुल बिजनेसमैन कैसे बने? आपका सीक्रेट क्या है? लोग जब बिजनेस करते हैं तो अपने प्रॉफिट के बारे में सोचते हैं, लेकिन मैंने आम लोगों की प्रॉफिट के लिए बिजनेस शुरू किया है। और बिजनेस करने के लिए मेहनत और लगन की बहुत जरूरत है। सर, आजकल के नौजवान जो आपको अपना आइडल मानते हैं, आप उनके लिए कुछ मैसेज देना चाहेंगे? कुछ टिप्स दे दीजिए। मैं बोलना ही चाहता था। अच्छा, वो आपने पूछ लिया। जरूर कहिए ना। जब भी बिजनेस करो तो हमेशा अपनी मेहनत से करो। जरा खुल के बोलिए सर। खुद के पैसे लगाओ, कभी किसी से पैसा उधार मत लो। Thank you.
यू सर। हैप्पी दिवाली सर। थैंक यू सर। हैप्पी दिवाली सर। थैंक यू धीरू। तू किस लिए थैंक्स बोल रहा है यार? यार आज मैं बहुत खुश हूँ धीरू। पिछले साल हम जिन चीजों के लिए तरसते थे वो सारी चीजें आज हमने सब में बांटी। अच्छा अब चलता हूँ, और भूलना मत कल तुझे मेरे घर पर आना है। ओके हाँ, चलो के, चलो बाय। मेरी माँ ने तुम्हें भी घर पे बुलाया है दिवाली के मौके पे, तुम जरूर आना। अरे मैं आ जाऊंगा, टेंशन मत ले। ठीक है हम चलते हैं। बाय। कैसी आंटी जी? मैं ठीक हूँ बेटा। बाय बाय। आओ ना माँ, ये लो। नमस्ते बेटा, कैसे हो तुम बेटा? ठीक हूँ माँ। बेटा तुम लोगों की कामयाबी देखकर मैं आज बहुत खुश हूँ, मेरे मन को बहुत शांति मिली है। बेटा दिवाली का मौका है, घर जरूर आना। जरूर आऊंगा। अभी चलो। नमस्ते। ये क्या बेटा, लड़कियों की तरह फुलझड़ी जला रहे हो? ये लो बम जलाओ। शिव बेटा जरा संभल कर। हेलो। हाय शिव। हाय उर्मिला। हैप्पी दिवाली। सेम टू यू। हैप्पी दिवाली आंटी। थैंक यू बेटा। बम यहाँ है। अरे देख क्या रहा है बेटा, जला। इतना डरता है? नहीं नहीं मैं नहीं डरता। अबे पानी क्यों डाल रहे? ये लो खोलो इसे, एक एक करके जलाना ठीक से। ये लो बेटा जरा सुनिए। आप इस तरह अंदर क्यों चले आए? अगर थोड़ी देर और बाहर रहता ना मैं, तो उसे अंदर लाने से खुद को रोक नहीं पाता, इसीलिए चला आया। देखिए जी दिवाली का मौका है, खुशी का त्योहार है, उसे भी कुछ मिठाई दूं क्या? दे दो उसे, मगर वो कुछ लाया हो तो मत लेना। माँ भैया चला गया। मम्मा देखो भैया ने मुझे नए कपड़े दिए। मम्मा भैया आपको और पापा को बहुत याद कर रहे थे। मम्मा भैया ने आपके लिए चूड़ी दी है। सर कर्जे की प्रॉब्लम की वजह से नदी पार एक जमीन की नीलामी होने वाली है। अगर वो जमीन हम खरीद लें तो मिनरल वाटर फैक्ट्री लगा सकते हैं। जमीन के नीचे मिट्ठो गटक पानी है सर। तो खरीदते क्यों नहीं हो? खरीद तो सकते हैं पर बिल्डरों की नजर है उस पर सर। कितनी कंपनीज हैं? सर रहेजा, आयरन बिल्डर्स, चड्डा ब्रदर्स, सारी कंपनी आ रही है। प्रिया एंड कंपनी का नाम सुनते ही नीलामी में कोई भी नहीं आएगा। डोंट बॉदर। सर जी बोली लगाने के लिए कोई आया ही नहीं, लगता है सब डर गए, अपनी है जमीन।
नमस्ते हरिलाल जी। नमस्ते। सब ठीक ठाक है ना? ज्यादा पगार चाहिए तो मेरे पास आ जाना। सर रखना। ये बेकार में दोस्ती का नाटक कर रहा है सर, ये दरार डाल रहा है। क्यों मेरे पेट पर लात मार रहे है? मिस्टर चंद्रमोहन ने नदी के पास 8 एकड़ जमीन खरीदी। उन्होंने बैंक से कर्जा लिया था, मगर कर्जा नहीं चुकाने के कारण आज बैंक जमीन नीलाम कर रही है। नीलामी में जो सबसे ऊंची बोली लगाएगा जमीन उसी की हो जाएगी। हमारा 25 लाख, 50 लाख, 75 लाख, अब तो 1 करोड़ चाहिए सर, लंका लूट जाए। 1 करोड़ 1, 1 करोड़ 2, 1 करोड़ 3। चलता हूँ हरिलाल जी। ए, माना कि ये सस्ती जमीन मैंने महंगे में खरीद ली, लेकिन मैं जीत तो गया। मैं तेरे सामने कभी नहीं हार सकता, मैं पक्का बिजनेसमैन हूँ। बिजनेस साले साहब, जो आदमी बस की टिकट बस में ही ब्लैक कर रहा हो तो जरा सोचो वो बिजनेस करने में कितना तेज होगा। उसी चीज में हार डालना चाहिए जिसमें दुगना फायदा हो। अरे तू क्या बोलना चाहे? मैं यहाँ बोली लगाने नहीं आया था, मुझे उस जमीन में कोई इंटरेस्ट भी नहीं है। वो तो मेरे घर में कोई अकलमंद है नहीं ना, इसलिए मैं चला आया। वो आदमी जो साइन कर रहा है ना, वो और कोई नहीं है साले साहब, अपुन का प्यारा बापू है। मतलब तुम्हारे 1 करोड़ को पान खिला दियो? हरिलाल, अपुन के बापू ने वो जमीन बेचने की बहुत कोशिश की, लेकिन क्या करे साला, बिकी ही नहीं। तो अपुन ने आइडिया लगाया और मार्केट में रूमर फैला दिया कि वो जमीन मीठे पानी वाली है। लेकिन आपको भी अकल नहीं है क्या? नीलामी में हम दोनों के अलावा और कोई नहीं है, ये देख के भी आपकी बत्ती नहीं चली। कसम से आपने मुझे तो करोड़पति बना दिया, लेकिन मेरे बाप को भी करोड़पति बना दिया। बहुत एहसान है आपका हम पे। अब पता नहीं मैं एहसान उतारूंगा कैसे। चलो अब जो होना था वो हो गया, सब कुछ अपने हाथ में तो नहीं होता। हे hey! चलता हूँ। गुड मॉर्निंग सर। हेलो धीरू जी से बात हो सकती है क्या? आज मुझे कैसे याद किया? क्या बात है, मेरी आवाज पहचान गए? क्या बात कर रहे हो साले साहब, मैं तो आपके हर हरकत को पहचानता हूँ, तभी तो आपके टक्कर का बिजनेसमैन बनूंगा। तुम्हारे लिए मेरे पास एक सरप्राइज है। कुछ समझा नहीं? चलो मैंने मान लिया कि तुम बड़े इंडस्ट्रियस्ट बन गए, लेकिन बड़े इंडस्ट्रियस्ट के पास प्रॉब्लम भी तो बड़ी बड़ी होती है, तुम वो सारी प्रॉब्लम सुलझाओगे कैसे? क्या हुआ, सांप सूंघ गया क्या? किसी भी वक्त कोई भी प्रॉब्लम तुम्हारे दरवाजे पर दस्तक दे सकती है। क्या सोच रहे हो, अब जो होगा वो तुम्हारे पल्ले पड़ेगा भी नहीं। तुमने गुरु का गुस्सा देख लिया, गुरु की स्टाइल देख ली, मगर तुमने अभी तक गुरु का गेम नहीं। इसे कहते हैं गुरु का गेम। मैं हूं गुरु, मेरा खेल होता है शुरू। जरा अपनी दाई तरफ नजर डालो। We are from the Income Tax Department. हमें आपके ऑफिस की तलाशी लेनी। हेलो साले साहब, मैं धीरू बोल रहा हूँ साले साहब। इतने डरे हुए क्यों? इनकम टैक्स की रेड पड़ गई है। बाप रे, लगता है उनके सवालों ने तुम्हारी बोलती बंद कर दी है। मिस्टर धीरू, हमने आपके पूरे ऑफिस की तलाशी ले ली। आपकी कंस्ट्रक्शन कंपनी, रियल एस्टेट, डिपार्टमेंटल स्टोर्स, एक्सपोर्ट्स, सारे अकाउंट्स क्लियर है, मगर हमें यह बताइए इस बिजनेस के लिए आपको फाइनेंस कहां से मिला? किसने इतना पैसा लगाया? यहां तो बैंक से लोन लेने का भी कोई रिकॉर्ड नहीं है। देन हाउ इट इज पॉसिबल? कम ऑन टेल अस। Say something, sir. Speak out. जवाब दो। Where is the proof? Speak out. बताइए हमें। इसका जवाब तो मेरे बॉस देंगे। कौन है आपके बॉस? बॉस ईमानदार, मेहनती,
और वफादार। hey. साले साहब, आपने जो गुगली बॉल फेंका था उस गुगली पर हीरो ने सिक्स मारा है। क्या कहा था आपने कि आप शतरंज के पुराने खिलाड़ी हो? आपके घोड़े को मेरे हाथी ने मात दे दी। कहा मुंडे को बोला था? दाहिने मुंडे को बोला था। अब आप अपने भाई ने मुड़ के देखो। मिस्टर धीरू कह रहे थे कि बिजनेस के लिए आपने फाइनेंस किया था, वो आपका ही बिजनेस संभाल रहे हैं, क्या ये बात सच है? देखिए, मैं उसे पहचानता तक नहीं, उसके बिजनेस से मेरा कोई वास्ता नहीं। वो आपके नाम से बिजनेस कर रहा है, हमने सारे रिकॉर्ड्स देखे हैं। और अरे, मेरा नाम लेके कोई भी बिजनेस चलाएगा तो क्या उसके लिए मैं दोषी हूँ? वो बिजनेस आपका है और ऑफिस में आपकी फोटो लगी हुई है। अरे, चाय की दुकान पे, पान की दुकान पे कोई हेमा मालिनी की फोटो लगाएगा तो क्या दुकान उनकी हो गई? आप भी क्या बात करते हैं? आईटी का छापा पड़ने वाला है, क्या ये खबर आपने उसे दी थी? बिल्कुल नहीं सर। हम यहाँ आने वाले हैं, क्या मिस्टर धीरू ने आपको बताया था? बिल्कुल नहीं सर। जरा अपना फोन दिखाइए। नहीं नहीं सर। ओ हाँ सर। व्हाट इज दिस? आप दोनों अलग अलग बात क्यों बोल रहे हैं? ये इनकी सिस्टर के लव का मामला, तो वो एक डील हुई थी। व्हाट डील? अरे सर, ये सब फैमिली इशू है, पर्सनल मैटर है। ओके, दैट्स पर्सनल, सो आंसर मी, आपने मिस्टर धीरू को फाइनेंस क्यों किया? हाँ सर। नहीं सर, मजबूरी सर। फिर वही, आप कुछ कह रहे हो, ये कुछ कह रहे हैं? सर, वो हमने उसको पैसा दिया। क्यों दिया पैसा? जवाब दो। मैं क्या, क्या हमें रिकॉर्ड चेक करना होगा सर। अरे मतलब चुप क्यों हैं? आंसर अस सर, वो इट इज अ टैक्सेबल इनकम। क्या छुपा रहे हैं आप? बोलिए। प्लीज टेल मी सर, क्या आपने पैसे दिए थे? क्या छुपा रहे हैं आप हमसे? 7 करोड़ मैंने उसे बिजनेस बढ़ाने के लिए दिए थे। तो उसका टैक्स कौन भरेगा? मैं दूंगा उसका सारा टैक्स, मैं दूंगा, मैं। ओके, देन वी डोंट हैव एनी प्रॉब्लम। थैंक यू फॉर योर कॉल। थैंक यू सर। ए जी, सारा टैक्स भर दो और इन लोगों को यहां से भगाओ। सर, बी का टैक्स था तो फटाफट राजी होगा। मेरी पगार की बात आवे तो कंबल ओढ़ के सो जाओ। ठीक है सर, ठीक है, ठीक है भाई, मेरे बाप को क्यों जावे। पता नहीं मैं कितने दिनों से कॉलेज बंक करके तुम्हारे साथ घूम रही हूँ। अरे बिना कॉलेज गए भी देख अपुन कितना स्मार्ट है, पढ़ लिखे क्या डॉक्टर बनेगी तू? ठीक है, अब मुझे देर हो रही है, मैं घर जा रही हूँ। एक मिनट आ जानू। ये क्या है? अरे बारिश टपकेगी तो भीग जाएगी ना, इसलिए। मजाक मत करो, इतनी तेज धूप में बरसात कहाँ से आएगी? कोई चांस ही नहीं है। होगी? नहीं होगी। अब मैं चलती हूँ। तुम्हें कैसे पता था कि बारिश होगी? मैं जानता था। बताओ ना धीरू, कल रात को समाचार पे देखा। कल बारिश होगी? नहीं, तुम गले मिलोगी। लव यू। सर, यह है नरेश कुमार, अमेरिका में डॉक्टर है, सैलरी कम से कम 4 लाख है। काम है सर, इसका नाम राहुल है, लंदन में रहता है। देखो, मेरी एक ही सिस्टर है, उसके लिए कोई ऐसा दूल्हा बताओ जो यहाँ हिंदुस्तान में रहता हो, सात समुंदर पार नहीं। सर, आपकी बहन के लिए ये बेस्ट है। यह है धीरू। सर, ये इंडिया का सबसे एलिजिबल बैचलर है, इसके पीछे लड़कियों की लाइन लगी है। करोड़पति बिजनेसमैन बनने के चक्कर में लोगों की जिंदगी कट जाती है, पर इसने तो यह कमाल चंद सालों में ही कर दिया। इनके पैसे से ही करोड़पति बना। इनका मिनरल वाटर का बहुत बड़ा बिजनेस एम्पायर है। इन्हीं की बदौलत। इस लड़के को छोड़कर बाकी कोई भी कहीं कभी लड़का चलेगा, वो तो मैं अमेरिका वाले को फाइनल कर दो। हेलो। अरेंजमेंट ऐसा होना चाहिए कि सब देखते रह जाएं। पान बनारस का, दाल बाटी चूरमो और रसगुल्ला कलकत्ते से। लड़का कोई आलतू फालतू नहीं है, एनआरआई है, रिश्ता पक्का हो गया है। कॉन्ग्रेट्स। है अजी, वो तो मैंने बधाइयां दे रही है। ए, 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 एक बार मेरी बहन की शादी हो जाए फिर तेरी हेकड़ी निकालता हूँ। पहले शादी हो रही है कि नहीं वो तो देखो। चैलेंज दे रहा है, झटका खाएगा क्या? वेट। प्रिया, क्या हुआ, बड़े खुश लग रहे हो? प्रिया के लिए रिश्ता मिल गया, लड़का है नाराई है। प्रिया ये लो। भैया, क्या कहना है मुझसे? जब मैंने उसका प्यार एक्सेप्ट किया उसी दिन हमने कोर्ट मैरिज कर ली थी। प्रिया साइन करो। प्रिया तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? प्रिया, हमारी शादी के बारे में फिलहाल किसी को बताना मत। मगर क्यों? तुम तो जानती हो कि तुम्हारा भाई हमारे प्यार के खिलाफ है,
इसलिए। अच्छा ठीक है, नहीं बताऊंगी। वादा करो, कसम खाओ इनकी, तुम्हारा भाई मुझे पसंद करे या ना करे, मैं उनकी बहुत इज्जत करता हूँ। कसम खाती हूँ, उसने मुझे आपकी कसम दी थी, इसीलिए मैंने ये बात छुपाई। बता देती तो मैं मर नहीं जाता। पैसा? सर पैसे का इंतजाम शुरू करूं? पैसे का इंतजाम किस लिए? सर भूलने के लिए, उसने इतना पैसा मांगा तो डिवोर्स के लिए कितना मांगेगा वो? फोन लगाओ उसे। जो नंबर आपने डायल किया है वो नंबर फिलहाल स्विच्ड ऑफ है। एक बार कहा ना गधे कि धीरू का नंबर स्विच ऑफ है, तो फिर बार बार डायल करके क्यों परेशान कर रहे हो? सर फोन कंपनी कॉलर का नाम लेके कैसे बात कर रही है? स्विच ऑफ। उसका ऑफिस कहाँ है? एयरपोर्ट रोड पर। ये क्या है? चेकिंग। कांट। सर आपको कपड़े उतारने होंगे, इसलिए अंदर कुछ तो बज रहा है। अरे बेरा मेरो नहीं तेरो बाज रहे। हेलो बॉस, का तेरा बॉस का तू ये क्यों होगा? ए ए अबे सुन हरिलाल, कैसे हो? सबके पसीने छुड़वा के तो हवा ले रहा है, वो भी हवा छोड़ने की जगह पे। तेरी इस हरकत से तो पंखे को भी शर्म आ गई। ए, अभी बताता हूँ तुझे। अरे साले साहब क्या बात है, इतना भड़क क्यों रहे हो साले साहब? ए, 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 मैंने तुझसे कहा था कि मेरी बहन से दूर रहना, उसके बावजूद ही तूने उससे शादी कर ली। अरे हम दोनों दो जिस्में एक जान है, इसलिए हमने शादी कर ली। देख सुन, मैंने तुझे जान से नहीं मारा अपनी बहन का ख्याल करके। अगले हफ्ते उसकी शादी है, मुझे कोई लफड़ा नहीं चाहिए। तुरंत मुझे रजिस्टर्ड मैरिज का सर्टिफिकेट दो और सारे सबूत दो और इस पर साइन करो कि तुम अपनी मर्जी से पूरे होशो हवास में प्रिया को तलाक दे रहे हो। नहीं करूंगा मैं। साइन तो करना ही होगा। बोला ना नहीं करूंगा। ए, चल साइन कर। नहीं करूंगा, बोला ना। साइन कर, जल्दी कर, सुनाई नहीं दे रहा है? साइन कर। प्रिया मुझे एक बात बताओ, क्या मैंने तुम्हारे साथ कभी कुछ ऐसा किया जो तुम्हें पसंद ना हो? यहां तक कि मैंने शादी भी उसी से की जिस लड़की को तुमने पसंद किया। मैंने हमेशा तुम्हारी छोटी से छोटी पसंद का ख्याल रखा है प्रिया, तो फिर तुम मेरे जज्बात को क्यों नहीं समझ सकती? प्रिया तुम्हारे भाई ने आज तक कभी भी किसी के सामने हाथ नहीं फैलाए हैं, पर आज ये बहुत बेइज्जती सही है, मैं महसूस कर सकूं। मम्मी पापा के गुजर जाने के बाद तुम्हारे भैया ने तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी की है, तुम इनके लिए इतना नहीं कर सकती? ये फैसला मैंने नहीं किया, ये फैसला धीरू ने किया है। उसने तुम्हें डिवोर्स दे दिया। ये रहा तुम्हारा मैरिज सर्टिफिकेट और ये रहे उसके खुद के साइन किए हुए डिवोर्स पेपर। हेलो प्रिया, बोल रही हूँ। प्रिया तुम्हारे भाई ने मुझे तुम्हारी एक भी बात नहीं सुननी। प्रिया लेकिन सुनो तो सही। क्या सुनो, अब कुछ नहीं बचा है। मैं पूरा दिन रोती रही, इसलिए नहीं कि मैंने प्यार किया, बल्कि इसलिए कि मैंने तुम जैसे इंसान पर भरोसा किया। सुनो प्रिया, मुझे लगता था कि तुम मुझसे बेहद प्यार करते हो, पर तुमने तो मेरे प्यार का गला ही घोंट दिया, डाइवोर्स पेपर भेज दिए। तुम्हें गलतफहमी हो रही है, अब हमारे बीच कुछ नहीं बचा। मुझे भी रिश्ता नहीं रखना, मैं अपने भाई की पसंद से शादी करूंगी। सर एक महीने में हो जाएगा। नहीं चलेगा बेटू, एक हफ्ते में बंगला रेडी होना चाहिए, अपन को कोई बहाना नहीं मंगता। ट्राई करता हूँ सर। 24 घंटा काम करो, समझ गया ना? जी सर। मुझे खुशी है कि प्रिया शादी के लिए राजी हो गई।
लेकिन मुझे अभी भी उस लड़के पर भरोसा नहीं है। सर, हरिलाल तुम रजिस्ट्रार ऑफिस जाकर ओरिजिनल मैरिज सर्टिफिकेट लेकर आओ। 21, 22, 23, 24 तारीख को ऐसे किसी शख्स की शादी नहीं हुई यहाँ पर। हुई थी यार, ये देख सबूत, हमारे पास सर्टिफिकेट है इसका। घर जाके इसकी चाय बनाना। क्यों? इस पे गोरे गांव के पांडू किराना वाले का ठप्पा लगा हुआ है। क्या गोलमाल है, पांडू किराने वाला गोरे गांव। सर, सर मेरे सर्टिफिकेट नकली है सर। क्या? उस पर पांडू रंग किराने वाला लिखा है। पांडू किराने वाला? किराने का मतलब नहीं समझे सर, दाल चावल बेचने वाला। अब आगे क्या करना वो बताइए सर। उसने हमें नकली मैरिज सर्टिफिकेट दिया था, वो कुछ भी कर सकता है, उसका कोई भरोसा नहीं। मैंने अपनी बहन के लिए बहुत कुछ किया, अब बस एक मर्डर करना बाकी है। सर, वो भी कर दूंगा भले ही मुझे जेल जाना पड़े। वो अब बच नहीं सकता, प्रिया की शादी के पहले उसे मरना ही होगा। लेकिन सर, चाहे कुछ भी हो जाए, किसी भी हाल में उसे मार दो, मार दो, छोड़ना नहीं उसे।
मेरी बात तो सुनिए। निकल जाओ यहाँ से। सर, सर, सर प्लीज सर, निकल यहाँ से। सर, निकल। आपके आदमियों के मैं धुलाई करके आया हूँ, आप पर भी मेरा हाथ उठ सकता है। देख, तुझे बर्दाश्त करने की मेरी ताकत अब खत्म हो चुकी है। ये शादी किसी भी कीमत पर होकर रहेगी। मैं ये शादी होने नहीं दूंगा सर। याद है ना, प्रिया को भूलने के लिए तूने मुझसे जितना पैसा मांगा मैंने तेरे मुंह पे मार दिया था। अब क्या लेने आया यहाँ पर? मैंने आपसे पैसा प्रिया को छोड़ने के लिए नहीं लिया, मुझे आपकी शर्तें पूरी करनी थी। याद कीजिए आपने क्या कहा था, मेरी बहन से शादी करने के लिए उसके पास कार होनी चाहिए, बंगला होना चाहिए, उसके पास करोड़ों रुपए होने चाहिए। नाउ आई एम मोर सक्सेसफुल देन यू। एए, ये सारी चीजें तुझे चाहिए थी इसलिए तूने पैसा लिया था। ऐसी बात नहीं है सर, मेरा बचपन का सपना था कि मैं एक बड़ा बिजनेसमैन बनूं, लेकिन उसके लिए सिर्फ अकल नहीं पैसा भी चाहिए। लाइफ में कभी हुनर दिखाने का चांस ही नहीं मिला। चांस नहीं मिलता तो सचिन तेंदुलकर बनता क्या? जब अपुन ने आपको पहली बार देखा था ना, तो अपुन फैन बन गया था आपका, आइडल मानने लगा आपको। अखा लाइफ में आपने कितनी मेहनत किया, कितना पसीना बहाया, तब जाके आप इतने बड़े बिजनेसमैन बन गए। मैं भी आपकी तरह बनना चाहता था, लेकिन अपुन जैसे रोड़चा फर्नीचर को पैसा देने के लिए भला कौन आ गया था? बिजनेस करने के लिए अपन के बाप ने पैसा नहीं दिया तो बैंक आई को लोन देती। न जाने कितने लोगों का दरवाजा खटखटाया, लेकिन एक भी इंसान अपनी हेल्प करने के लिए तैयार नहीं हुआ सर। फिर आपकी बहन मेरी लाइफ में आई। आपको परवाह नहीं थी कि मेरा कैरेक्टर कैसा है, ये परवाह भी नहीं थी कि मैं आपकी सिस्टर का ख्याल रख सकता हूँ कि नहीं। बस लड़का लाइफ में सेटल होना चाहिए। हर लड़की वाले सिर्फ सेटल लोगों से ही शादी बनाने लग गए तो किसी की भी शादी जवानी में नहीं होगी सर। सब बूढ़े हो जाएंगे, बुढ़ा बुढ़ी पार्क में घूमने लायक बचेंगे, एंजॉयमेंट तो मिलेंगी नहीं। उस दिन आपने क्या बोला था सर, अपन महीना भर मजदूरी करेगा तभी आपकी सिस्टर को एक बार खाना खिला पाएगा। आज अपन इतना कमाता है कि आपकी बहन जो एक महीने में उड़ाती थी वो एक दिन में उड़ा सकती है। अपन को भी अपनी लाइफ में कुछ बनना था सर। अपन खानदानी रईस तो नहीं है, लेकिन अपन का प्यार ही अपनी सच्ची दौलत है सर। अपना प्यार पाने के लिए अपन ने आपसे पैसा लिया था। मानता है कि अपना तरीका गलत है, पर प्यार सच्चा है। आज अपन आपका पैसा लौटाने आया है सर। ये लीजिए सर आपका पैसा, और मेरा प्यार मुझे लौटा दो। जाने अनजाने में अपन से जो भी गलती हुई उसके लिए माफ कर दो, और मेरे को अपना लो सर। प्रिया के वास्ते आपने घर बनाया सर, बिल्कुल आपके घर जैसा घर, ताकि उसे कभी मायके की याद ना आए। प्रिया उसमें बहुत खुश रहेगी सर। मैं अच्छे से जानता हूं सर कि मैं कुछ भी करूं लेकिन आप मुझे एक्सेप्ट नहीं करेंगे। मेरे लिए प्रिया की खुशी से बढ़कर और कुछ नहीं है सर। अगर आपको अब भी अपन पे भरोसा नहीं है तो मैं ओरिजिनल डाइवोर्स पेपर्स पर साइन करने के लिए तैयार हूं सर। आगे आपकी मर्जी। रुको, मुझे तुम बिल्कुल पसंद नहीं, ना ही तुम्हारी पर्सनालिटी, ना ही तुम्हारा एटीट्यूड, मगर तुम्हारे बिजनेस करने की स्टाइल मुझे पसंद है। तुम चाहते तो जिस दिन तुमने प्रिया से शादी की उसी दिन उसे भगा ले जाते, मगर तुमने मेरी घर की इज्जत का ख्याल रखा। तुम्हारी यह बात मेरे दिल को छू गई। अगर तुम्हारी जगह कोई और होता
तो मेरा दिया हुआ सारा पैसा याशी भी उड़ा देता। मगर तुमने कुछ अलग करने का जुनून दिखाया, बिजनेस करने का, अपने सच्चे प्यार को पाने के लिए। तुम प्रिया का ख्याल मुझसे कहीं ज्यादा अच्छी तरह से रख सकती, ऐसा मुझे विश्वास हो गया। मेरे भाई ने तो माफ कर दिया, पर मैं माफ नहीं करूंगी। मुझे क्या समझ रखा है तुमने? जब चाहे अपना लिया, जब चाहे छोड़ दिया। प्यार कोई गिरवी रखने की चीज नहीं होती। प्रिया, आपने जो कुछ भी किया वो तुम्हारा प्यार पाने के लिए, तुम्हारी खुशी के लिए तो किया। क्या मैंने तुमसे कभी कुछ मांगा? कार मांगी, बंगला मांगा? मैंने बस तुमसे प्यार किया, तुम्हारे दिल में जगह मांगी थी। दिल में तो बहुत जगह है प्रिया, लेकिन शादी के बाद मैं तुम्हें कहां रखता? तुम्हें क्या लगता है मैंने ये सब क्यों किया? ताकि तुम दुनिया की हर खुशी पा सको। मैं नहीं चाहता था कि जिंदगी में मैंने जितनी ठोकरें खाई है उतनी ठोकरें तुम भी खाओ। प्रिया, अब तो भैया भी शादी के लिए मान गए। जो भी हो, तुमने मेरा दिल दुखाया। मैं तुम्हारा गुनहगार हूं, माफ कर दो मुझे। मैं ही जानती हूं कि मैंने तुम्हें कितना चाहा है, पर अब मैं तुमसे नफरत करने लगी हूँ। तुम जो भी कह रही हो वो गुस्से में कह रही हो प्रिया। मैं जानता हूँ तुम मुझसे प्यार करती हो। नहीं, लेकिन मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। अगर तुम सच में मुझे अपनाना नहीं चाहती तो जाओ उससे शादी कर लो। मेरे इतना बदकिस्मत कौन होगा जो अपने प्यार को किसी और का होता हुआ देखेगा। जाओ कर लो शादी। प्रिया, तो कोई भाई है क्या? नहीं। हाय, आई एम थीरू, कर लूं दुनिया मुट्ठी और में। मैं दो बच्चों की माँ। चलेगा? ओए! मेरे साथ दूसरे एक को लाइन मार दिया। प्रिया क्यों मार मुझे? क्या खुद को? अरे इतनी जल्दी मुझे भूल गए? शादी करो ना। अरे रखी तुमसे प्यार। वो बुढ़ा बैठ रहा है। नफरत करती हूँ मैं। चले जाओ। मैं तो सही रहा था। पैसा दो साली साहब। क्यों रे, अभी तक तो तू टाटा बिरला बन तो फिर रही हो, अब पांच हजार पे आगो के? अबे हरिलाल, तू साली साहब, अपन को ज्यादा पैसा नहीं चाहिए, बस खाली एक रुपया चाहिए। लेकिन एक रुपए का करोगे क्या तुम? सर, अपना धीरू भी किसी अंबानी से कम नहीं है, मतलब ये भी दुनिया मुट्ठी में कर सकता है सर। एक का अपन सौ करके दिखाएगा आपको। कैसे? कॉन्फिडेंस बॉस, कॉन्फिडेंस। गार्डन